दोस्तों, जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखी उसके ऊपर एक आर्टिकल है जो कि मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और यूपीएससी भी यहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और एक काफी इंटरेस्टिंग टर्म है जो यूपीएससी ने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा, डेड जोन के नाम से। आखिर ये डेड जोन क्या होता है? अगर यही नहीं पता होगा तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो तलेंडी में चला जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। ये जो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाई है, ये बहुत ही वायरल वीडियो ही, एक समुद्र के अंदर जो गोताखोर थे, जो वो गए, उन्होंने ऐसे रिलेशन यहाँ पर सेट कर लिया, पर्टिकुलर जो ओशन के अंदर जीव होते हैं, ऐसा लग रहा था कि दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं। ये कब होता है? ये तब होता है जब जानवर को आप लोग इतना कंफर्टेबल फील करा देते हो कि उसको ये लगने लगे कि यार ये तो अपने जैसा ही इंसान है, तो वो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कुत्तों के साथ भी, या फिर आप लोग जैसे घर में जानवर रहते हैं, जैसे घर में गाय भैंस, उनके कभी सर पे हाथ फेरना आप लोग, वे आप लोगों के पास में सर लेकर आने लगेंगे कि हाँ और खुजाओ हमको, हमारे सर में खुजली हो रही है, उस तरीके से ना, मतलब उनकी एक तरीके से कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। किसी भी जानवर के साथ आप लोगों ने इस तरीके की चीज़ें देखी होंगी, पर लेकिन वो तब होता है जब आप लोग एफर्ट डालते हैं, ठीक है। और जो दूसरी वीडियो थी, छोटी सी वीडियो हाउस द जोस वाली वो एक SLV फैमिली मेंबर के द्वारा उसको बेसिकली बनाया गया, मुझे बड़ी प्यारी लगी। तो कैसी लगी ये वीडियो, छोटी सी वाली वीडियो कैसी लगी, और बताना आप लोग चाहते हैं तो उसको रेगुलर ऐड करना है, या फिर जैसे भी आप लोग बोलो, डेली मतलब लगभग 2-3 सेकंड की वीडियो है, डेली रेगुलर ऐड कर दिया करेंगे, ठीक है। कैसा लग रहा हाउस द जोस, हाई सर फीलिंग आई ना देख के, तो बिल्कुल ऐसे ही बोला करो आप भी जहाँ पे बैठे होते हैं ना, जब मैं बोलूँ हाउस द जोस तो हाई बोला करो, ताकि आप लोगों की अंदर की एनर्जी हो ना थोड़ी सी और एक्टिवेट हो जाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोग जो भी काम करना चाहते हैं उस काम को करने में और मज़ा आने लगेगा। कौन कौन ऐसा ऐसे फैमिली मेम्बर है जो मॉर्निंग में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका है अब तक वीडियो आने से पहले, और अपना पानी वानी पीकर बिल्कुल फिट बैठा है? ये एक आदत है, मुझे पता है बारिश काफ़ी हो रही है, पर लेकिन ये एक ऐसी आदत है जो आप लोगों को बहुत सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी अगर इसको लाइफ का पार्ट बनाएंगे। तो बताइए कौन कौन पानी पी कर आया और कितने गिलास पानी पी कर आया, ये भी बताना है, ठीक है। और अपना उठने का टाइम क्या चल रहा है आजकल, ऊपर नीचे कर दिया फिर ऐसे ही, मतलब पहले वाला पैटर्न चल रहा है ठीक है, फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है वही बताना। नया सप्ताह है, नए जोश के साथ में स्टार्ट करेंगे, और जोश इतना हाई होना चाहिए तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि मेरे पास में आप लोगों का मेल ना आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखो कितनी शानदार रैंक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, अंडर 50 रैंक, 32 रैंक उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में, तो तृप्ति में के द्वारा यहाँ पर ये शानदार परफॉर्मेंस दी गई। SLV फैमिली मेंबर जिनके द्वारा रेगुलरली यहाँ पर जो ये वीडियो आप लोग देखते हैं न्यूज़ एनालिसिस वाला, न्यूज़ डिस्कशन वाला, ये वीडियो ये फॉलो किया करती थी। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि 32 रैंक एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, अगर आप लोग बोलो अंडर 50 रैंक ले गया ना, तो ये इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप लोग भी रेगुलरली जो चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ उनको फॉलो करोगे, तो आप लोग भी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन में अपने आप को पाओगे। तो यहाँ पर इनके नाम लिखना और फिर सबके सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से आप लोग अपने इस परिवार के साथ में एक अपना कनेक्शन बना रहे हो, जब आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोग समझ सकते हो कि एक दिन आप भी ऐसे ही जब मेल करोगे तो आप लोगों को भी सब ऐसे ही विश करेंगे। तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं रैंक जो है एक तरीके से इम्प्रूव होती जा रही है, पहले जो रैंक थी फिर उसके बाद में और अच्छी रैंक। वैसे रैंक नॉर्मली देखा जाए तो आप लोग बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि यार लिस्ट में नाम आ जाए एक बार, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये लगता है जिस टाइम पेपर देकर इंसान हटता है कि बस एक बार लिस्ट में नाम आ जाए, रैंक वैंक तो बाद में देखेंगे जो भी होना है, पर लेकिन अच्छी रैंक आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। पर एक बात और बता दूं, एक की रैंक बहुत अच्छी है, एक की रैंक थोड़ी कम है, ज़्यादा उनकी नॉलेज में आप लोगों को डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, डिफरेंस आएगा जो आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी के अंदर में, क्योंकि वहाँ पर ना तो इनका नाम पता है वहाँ पर उनको एग्जामिनर को, ना उनका नाम पता है जिनका अब तक सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि आप लोगों की कॉपी ही आप लोगों का चेहरा है, तो चेहरा आप लोगों का कॉपी में से दिखेगा एग्जामिनर को, और वो कॉपी में आप लोगों का चेहरा निखरा हुआ कैसे दिखेगा, फेरन लबिल से नहीं दिखेगा वो, या किसी करीम से नहीं दिखेगा वो, आप लोगों की मेहनत से दिखेगा, आप लोगों की प्रैक्टिस से दिखेगा। और वही प्रैक्टिस जब आप लोग रेगुलर करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आप लोगों का ऐसा रिजल्ट आता है। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक दिन मैं मेल जरूर करूंगा, यार मैं चाहता हूं कि हर एक SLV फैमिली मेंबर मुझे ऐसे ही मेल करे,
और इस तरीके से जब आप लोग मेल करते हो ना, तो यही एक चीज़ है जो मोटिवेट करती है कि हाँ कि एक ऐसे SLV फैमिली मेम्बर का सिलेक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट में आप लोग जब जा रहे हो ना, तो एक ऐसे अंदर से फीलिंग आती है कि वहाँ पर जाकर आप कभी भी एक तरीके से अपने आप को एक ऐसे माहौल में नहीं ढलने दोगे जो कि एक करप्ट इंसान बन जाता है। वही एक ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है यार कि हाँ हमारे SLV फैमिली मेम्बर हर एक डिपार्टमेंट में बैठे रहें, और जहाँ पे भी एक इंसान की हेल्प करने की बात आए तो वो अपनी ड्यूटी को शानदार तरीके से परफॉर्म करें। बस ये एक चीज़ मतलब हमेशा मेरे मन में रहती है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, और आगे बढ़ते रहिए। और मैं तो ये बोलूँगा अभी यहाँ पर ये एग्जाम क्लियर हुआ है और आगे बढ़िए, क्योंकि कभी भी जिंदगी में कोमा नहीं होना, कभी भी जिंदगी में फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, हमेशा कोमा होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना है आप लोगों को। ठीक है, जिसके सिलेक्शन हो गए स्टेट फीसेस में, ट्राई करो UPSC के लिए, अपना आगे बढ़ते रहना है, जिंदगी में रुकना नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों को नया सीखते रहना है। तो ये है बेसिकली, एक तरीके से काफ़ी अच्छा लगा मुझे पर्सनली। एक और छोटी सी बात यार, अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे SLV फैमिली मेंबर हैं जो कि आज की डेट में बीमार हो रही हैं, यानी कि कईयों के मुझे मेल आए रिसेंटली, अभी अभी हरगुन का भी मेल आया, जो रेगुलर आंसर देते हैं ना, मतलब उनके नाम मुझे याद रहने लगे हैं। जैसे कि कई दिनों से मैं देख रहा था इनका जो बेसिकली एक आंसर नहीं आ रहा था, तो मुझे बुरा फील होता है जब कोई ऐसा बच्चा ना जो रेगुलरली पढ़ने वाला और अच्छे आंसर देने वाला बच्चा एकदम गायब हो जाता है, तो मुझे अंदर से फील होता है, मैंने कहा क्या हो गया, पता नहीं, मैं कई सारे थॉट चलने लगते हैं, एक दिन चला गया, दो दिन चला गया, तो मैं कई बार सोचने लगता हूँ, मैंने कहा अच्छा तो आंसर दे रहा था, बच्चा पढ़ भी रहा था अच्छे से, एकदम क्या हो गया, तो वो वाली चीज़ आती है कई बार। तो इस तरीके से आप लोग रेगुलर जब आंसर देते हो, तो मैं आप लोगों के रिप्लाई नहीं करता हूँ, आप लोग कई बार आप लोगों के कमेंट भी लाइक नहीं करता हूँ, पर नज़रों में कुछ ऐसे वो निकलते रहते हैं, तो बहुतों के नाम मुझे याद होने लगे हैं जो रेगुलर ढंग से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कोई भी टीचर होता है ना यार, वो बच्चों से प्यार करने लगता है, खासकर उन बच्चों से जो बच्चे मेहनती होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा टीचर भी थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है उनके लिए जो बच्चे थोड़े से मेहनती होते हैं। तो हमेशा कोशिश करो कि जिस काम को करने के लिए आप लोग आए हो ना, उसके लिए डेडिकेशन रखो, और उसके लिए डेडिकेशन रखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के साथ में। इसलिए बोलता हूँ कि मॉर्निंग में उठकर पानी पीकर अगर एक बार को एक्सरसाइज कर लोगे आप लोग डेली लगभग आधा आधा घंटे, तो पसीना निकल जाएगा और ये आगे और काम आने वाला है, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और सारी चीज़ें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अब यहाँ पर बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं है, बीमार हो गए जैसे इनके द्वारा पूरा यहाँ पर मैसेज लिखा गया, इसमें बुरा फील कर रही है कि सर ऐसा हो रहा है, वो सारी चीज़ें अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो आप लोग ये बोल सकते हो कि देखो बुरा फील करने वाली बात नहीं होती यहाँ पर। कोशिश करो कि जैसे आप लोग अच्छी एक तरीके से स्वस्थ हो जाओ, तो तुरंत कोशिश करो कि अपना फिर से अपने पैटर्न में आना है, और जल्दी से जल्दी अपना जो भी छूट गया उसको रिकवर करना है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, मतलब बुरा फील करना कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, अगर बुरा फील करना सॉल्यूशन हो तो हर एक इंसान बुरा फील कर ले, तो आप लोगों को तुरंत अपने आप को इंप्रूव करना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोग सीख कर चीज़ों से आगे बढ़ोगे और अपनी हेल्थ का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखोगे, क्योंकि हेल्थ जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और जैसे मौसम चेंज हो रहा है, अपने कपड़े जो है थोड़ा सा गर्म वाले यूज़ करना स्टार्ट कर दो, और थोड़ा सा बाहर से पसीनों में आकर उल्टी सीधी हरकतें, पानी पी लिया और नहा ले धो ले, उनसे बचो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज़ें रखनी है, हेल्थ सही रहेगी तभी आगे चीज़ों कर पाओगे अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में बताना है थोड़ा सा, मैं बता देता हूँ कि इनको रिसेंटली अभी नोबेल प्राइज मिला है। अब कौन सा नोबेल प्राइज मिला है ये आप लोगों को बताना है। चेहरा थोड़ा सा याद रखोगे ना, तो उससे ये रहेगा जब एग्जाम में जाकर बैठोगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कम से कम चेहरा याद आएगा, तो नाम के साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। तो ये काम जरूर करिए, कम से कम पिक्चर जरूर देखेगा, और मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा पूरी एक वीडियो जब मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा नोबेल प्राइज़ की कंप्लीट, उसको जरूर करना, और 2 साल के कम से कम नोबेल प्राइज़ आप लोग कंप्लीट करके जाना है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था। ओके, शानदार कोटेशन है आप लोगों के सामने, आप लोग इसको ऐसे या फिर एथिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और आजकल ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, और एथिक्स में भी स्टेटमेंट देकर आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा रहा है। बड़ी बड़ी शानदार और इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, ये आप लोगों को मोटिवेट भी करेगी। बोला गया कि इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप, जब तक आप लोग रुकते नहीं है ना, कछुए की चाल पर चलो, बस चलते रहना है, रुकते ही कहानी खराब हो जानी है। रुकने का मतलब है कि आप लोगों ने हार मान ली, और जब तक चलते रहना है, भली कहते हैं ना कि अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो आप लोग कहते हैं ना कि एक तरीके से घुटने पर रेंग, घुटने पर चलो, और घुटने पर नहीं चल सकते हो तो रेंगो, पर लेकिन चलते रहना है, रुकना नहीं है जब तक शरीर में से दम नहीं निकल जाए। ये कॉन्सेप्ट अगर जिंदगी में आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया ना, आप लोग की जिंदगी जो है वो हमेशा आप लोगों को इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, जैसी लाइफ आज है उससे आगे आप लोग अपनी लाइफ जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये बात हमेशा जिंदगी में आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, दो शानदार कोटेशन है जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, कल मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की थी,
ये क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करने का टाइम था, मैंने बोला था 8 या फिर 8:30 बजे अपलोड कर देंगे, और मैंने इसके लिए नोटिफिकेशन भी डाल दिया था कि मैंने ठीक है इस टाइम इसको अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये था बेसिकली जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डाला था नोटिफिकेशन कि इसको यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे अपलोड कर दूंगा। मैंने इसको 5-6 बार चेंज किया, 8 से 8:30 हो गया, वो 8:30 से 8:45, 55, 50 इस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती रही। पर लेकिन यहाँ पर ये चीज़ वीडियो अपलोड नहीं। आप लोग बोलोगे सर वीडियो तो अपलोड हो रखी है यहाँ पर, ये जो वीडियो अपलोड हो रखी है ये वीडियो अपलोड हुई दूसरे वाले चैनल पर, दूसरे वाला चैनल यानी कि वी टॉक्स पर अपलोड हुई। कई बार क्या होता है पता नहीं क्या दिक्कत हुई, एक बार नहीं दो बार अपलोड कर ली, 3 बार अपलोड कर ली, पब्लिक ही नहीं कर रहा था वीडियो को, मतलब मुझे 11 बज गए पूरा अपलोड करते करते, और फिर दिक्कत ही हो जाती है कि सुबह भी मुझे उठना है फिर सुबह का भी काम करना है, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होगी। तो फिर मैंने इसको वी टॉक्स वाले चैनल पर अपलोड कर दिया। ठीक है, ये एक स्टेपनी है, अगर यहाँ पर कभी कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों को वीडियो जो है वो वी टॉक्स वाले चैनल पर देखने को मिल जाती है। जैसे ही वहां पर अपलोड करी वो तुरंत पब्लिश हो गई, क्योंकि छोटा चैनल है, हो सकता है पता नहीं क्या दिक्कत रहती है बड़े चैनल के साथ में, कई बार कुछ इशू हो जाता है, पर लेकिन 3 बार भी पब्लिश नहीं किया इसने, और यहां पर वो वीडियो जस्ट 10-15 मिनट में पब्लिश हो गई, और वहां पर वो मैंने 7 बजे अपलोड करना स्टार्ट की थी, मैंने बोला था 8:30 बजे वीडियो आएगी, 1.5 घंटे का गैप दिया था, पर लेकिन वो जो मतलब पब्लिक हुई कंप्लीट वो 11 बजे जाकर हुई। मैंने कहा यार बड़ा कमाल कर दिया। तो ऐसी भी कई बार हरकतें देखने को मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट रहिए, कोई भी अगर ऐसा इशू होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, और यहाँ पर आप लोगों का टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी जो भी वीडियो हो गई है, मंथली वीडियो आप लोगों की कल अपलोड हो गई थी, उसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी, और बाकी जो और भी सारी वीडियो हैं उनकी भी PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए। ठीक है, सारी PDF आप लोगों को यहीं पर ही मिल जाती है इकट्ठी एक जगह, स्टडी लवर वीर जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। ओके, और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये, एक पब्लिश हो गई थी यहाँ पर, बाकी दो तो काफ़ी लेट तक पब्लिश ही नहीं हुई, फिर मैंने उनको डिलीट किया। ठीक है, मैंने कहा ये देखो अलग ही जोन में चल रहे हैं, तो इसलिए उसको भी आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट रहना, कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को वहाँ पर कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये जो आर्टिकल है जिससे रिलेटेड मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में वीडियो भी दिखाई, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर यहाँ पर कवर किया गया है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है पर्टिकुलरली कि आज की डेट में जो समुद्र के अंदर जीव हैं उनकी संख्या जो है वो घटती जा रही है, और यहाँ पर कई सारे जो हैं लगभग 90% जो हैं उनके ऊपर थ्रेट है, यानी कि कुछ तो वैसे आप लोगों ने जो है ज़िंदगी ख़राब कर दी बहुत सारे जीवों की, आप लोग बोलेंगे हम लोगों ने कैसे कर दी, जो कि आज की डेट में आप लोग हो चाहे मैं हूँ चाहे सोसाइटी का कोई भी प्राणी हो, जो जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को उदाहरण देकर थोड़ी बातें समझाऊं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि वो समुद्र के पास में किनारों पर जाएं और वहां पर बीच पर जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, पर लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी स्किन का बड़ा ध्यान रहता है कि उनकी स्किन जो है वो काली ना पड़ जाए। आप लोगों ने देखा होगा ना, लोग जो है चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना अपने आप को फेयर एंड लवली टाइप वो जो ऐड चलते हैं, सबसे घटिया चीज़ मुझे लगती है जब कोई ऐसे ऐड चलाते हैं, मतलब काले रंग को नेगेटिव तरीके से दिखाते हैं। अबे काला रंग किसी इंसान का नेचुरल है यार, वो उसको मतलब गलत तरीके से दिखाने का क्या मतलब है, एक तरीके से वो उसकी नेचुरल चीज़ें हैं, तो वो उसमें कोई चेंज वेंज होता नहीं है, बस प्रोडक्ट बेचना है। हालांकि इन पर अब बैन लग रहे हैं इस तरीके एडवर्टीजमेंट पर लेकिन जो भी क्रीम लगाए जाते हैं, खासकर जो सनस्क्रीन होती है कई बार आप लोग यूज़ करते होंगे, वो क्रीम जो होती है जब जाते हैं नहाते हैं और नहाते हैं बेसिकली समुद्र के अंदर में, उस टाइम पर क्या होता है उसमें से जो आप लोगों की बॉडी पे से वो शरीर जो शरीर पे से निकल के वो क्रीम जो पानी के अंदर मिलती है उसकी वजह से जो मैरीन लाइफ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसी भी स्टडी अभी रिसेंटली सामने निकल कर आई, इसीलिए इंडोनेशिया में और एक दो कंट्री के अंदर और रिसेंटली अभी ये सारी चीज़ें यूज़ करना बंद कर दिया गया। अगर कोई इस तरीके से यूज़ करता हुआ पाया जाएगा उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। कोरल रीफ जो कि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं उनके ऊपर इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर इन चीज़ों को बैन किया गया। अगर ओशन के अंदर आप लोग बात करेंगे, इतना सारा कचरा है जिसमें आप लोगों को प्लास्टिक नंबर वन, उल्टे सीधी जो खासकर जो मछली पकड़ने जाते हैं उनके जाल वगैरह वहाँ पर पड़े रह जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो उनका नेट होता है। ये जो टायर्स वगैरह होते हैं दुनिया भर के टायर्स वगैरह इस तरीके से, मतलब बोतलें वगैरह, ये सारी मतलब इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसकी वजह से समुद्र का जो पानी है वो काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट में आज की डेट में है। रही सही कसर पूरी कर दी जाती है, जब कोई भी टैंकर वगैरह पलट जाता है वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि ऑयल स्पिल हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है बहुत सारी जो मैरीन जो जीव जंतु हैं वो वहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं। तो यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतों की वजह से 90% जो आज की डेट में जल के अंदर रहने वाले जीव जो हैं उनके ऊपर शंका के बादल मंडरा रहे हैं, ये इस रिपोर्ट के द्वारा बोला गया है। ये एक ऐसी स्लाइड है जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं,
17 टॉपिक आप लोग इसको वैसे बोल सकते हैं, और सब टॉपिक तो इसमें से पता नहीं कितने निकाल लेंगे। गोल है 17 पर लेकिन टारगेट है इसके 169, क्योंकि एक गोल के अंदर कई कई सारे टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब आपको 14 गोल यानी कि 14वें गोल पर आप लोग जाओगे तो लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जमीन के अंदर जो जीवन है उसको कैसे हम लोग को प्रोटेक्ट रखना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इसके बारे में बातें की गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने टारगेट रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से लेके 30 तक का, कि इन सब चीजों को इम्प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना। आप लोग बोलो कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, अपना मोटापा कम करना है, इसका मतलब ये कि आप लोगों को लग रहा है कि बॉडी के अंदर फैट चढ़ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना सीधे सीधा कि हाँ आप लोगों को लग रहा है कि मॉर्निंग में टाइम पे उठना है, क्योंकि आप लोग शाम को ढंग से टाइम से सो नहीं पा रहे हैं, मॉर्निंग में उठ नहीं पा रहे हैं, आप लोगों का शेड्यूल खराब हो रहा है। तो किसी चीज में कोई कमी लगती है तभी आप लोग उसको सुधारने की बात करते हैं ना। ये 17 के 17 वो चीजें हैं जो कि आज की डेट में पृथ्वी के ऊपर दर बदतर हो चुकी हैं। पुअर्टी गरीबी इंसान को बर्बाद कर रही है, भुखमरी उसको जीने नहीं दे रही है, अच्छी हेल्थ की वजह से उसकी वैसे प्राण पखेरु उड़ जा रहे हैं, एजुकेशन सामने वालों को मिल नहीं रही है, तो बेरोजगार और दर दर की धरकट एक तरीके से दर दर की ठोकरें खाते हुए इंसान नजर आते हैं। लड़का और लड़की में भेदभाव, इसकी वजह से तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। मतलब कई बार तो ऐसा मन करता है इंसान बने क्यों थे यार। ऐसा अभी एक केस निकल कर आया, एक छोटी सी बच्ची जो है उसको उसकी माँ झाड़ में फेंक के चली गई। ऐसी ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये आज की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग आ जाते कि 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसी भी सिचुएशन है आज भी देश के अंदर में। तो लड़कियों को खासकर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग अगर अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में। और खासकर अगर आप लोग एक तरीके से जिंदगी में सही पैटर्न में आ जाओगी तो फिर चीज़ों को संभाल पाओगी। खासकर उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जो एक ऐसे परिवार से निकल कर आती है जहाँ पर लड़कियों को इक्वल रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है, लड़कों के ऊपर फोकस दिया जाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये मैं बिल्कुल मत मानना कि गाँव में ही सारी चीज़ें होती हैं, शहरों में पढ़े लिखे लोग भी आप लोगों को ये काम करते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि गांव में ही चीज़ें होती हैं। एक मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ में, एक रेलवे ट्रैक के ऊपर से बेसिकली एक हाथी वाला हाथी उतार रहा था। ठीक है, तो उसको देखकर एक लड़की के द्वारा मेल किया गया मुझे, बोली कि सर गांव वाले ऐसे ही होते हैं, गांव वाले बड़े ही गंदे होते हैं, एक मेरा बॉयफ्रेंड था मुझे धोखा दिया, 2 बार धोखा दे के गया मुझे, सर गांव वाले बड़े गंदे होते हैं। डियर मैं भी गांव वाला ही हूँ एक, ठीक है, तो मैं भी एक गांव से ही आता हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है वो कम्प्लीटली गांव में ही हुई है। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ 12वीं तक का, कंप्लीटली एक तरीके से जो कहते हैं ना गांव से निकला हुआ बिल्कुल एक ऐसा इंसान जिसको शहर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। 12वीं के बाद मैंने पहली बार जो है गांव से बाहर कदम रखा था, जिसमें मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हुई थी। तो गांव और शहर वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात होती है परवरिश की, कि कैसे परिवार से आप लोग निकल कर आ रहे हैं, और परिवार भी कोशिश करता है बच्चों को अच्छे से पाले। सबसे बड़ी बात जब परिवार से निकलने के बाद भी फिर संगत कैसी है, कैसे दोस्तों के साथ में आप लोग रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 2-4 दोस्तों के बारे में बताओ, मैं बता दूंगा कि आपका लेवल क्या है, क्योंकि जैसे दोस्त होंगे वैसे ही आप लोगों का लेवल होगा, उसी कैटेगरी के लोगों में आप लोग बैठेंगे। कहते हैं ना कि एक शराब पीने वाला आदमी कहीं भी हो शराब पीने वाले को ढूंढ लेता है। एक नोटिस की होगी आप लोगों ने चीजें, किसी गाँव में कोई बारात जाती है, अगर उस बारात को आप लोग नोटिस करोगे उसमें से कुछ लोग गांव में जाते गायब हो जाते हैं। क्यों? वो किसी ठेके पे बैठे मिलेंगे, ये पहले अपना जुगाड़ करके लेके आते हैं, फिर बाजा बजेगा, फिर नाचेंगे। ये रियलिटी है, एक टेंडेंसी जैसी होती है ना उसको सूंघ आ जाती है कि मेरे जैसा है ये। तो आप लोग जैसे हो आप लोग वैसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप लोग अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करोगे तो इंप्रूव्ड वर्जन आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि जैसे इंसान जिनको आप लोगों को लग रहा है कि वो अपना टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे, उनसे डिस्टेंस बनाना आप लोग स्टार्ट कर दोगे, ये देखना आप लोग। लिए कहा जाता है सबसे पहले अपने आप को सुधारो। अगर आप लोग खुद सुधरना स्टार्ट हो जाओगे तो बहुत सारी चीज सुधरेंगी, इवन उनमें से एक सुधरी हुई चीज ही होगी कि इन्वायरमेंट को भी आप लोग ध्यान से रखने लगोगे। ये सिचुएशन आप लोग देखते हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो समुद्र के अंदर जो भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं उसी के ऊपर यहां पर जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, तो टाइटल रखा गया यहां पर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स फॉर मैरीन लाइफ, यानी कि समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी लाइफ के बारे में बात की जा रही है, और उनकी लाइफ को इंप्रूव करने की बात यहां पर की जा रही है। अब ये जो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं इसकी वजह से दिक्कतें क्या हो रही है, आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं बोलूँ जो मैरीन लाइफ है उनकी लाइफ जो है काफ़ी बर्बाद होती जा रही है। पॉइंट नंबर वन, उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जा रही है आज की डेट में। आज की डेट में बात करें खासकर जिस तरीके से इंसान का बिहेवियर चेंज हो रहा है वैसे ही वैसे आप लोगों को इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। पॉइंट नंबर टू, जो एमिशन हम लोग कर रहे हैं उस एमिशन की वजह से, मतलब एक तो हमारा नेचर हो गया, जैसे हमारा नेचर चेंज हो रहा है वैसे हम लोग इन्वायरमेंट को चेंज कर दे रहे हैं।
इसी के साथ में अमीशन जितना भी हो रहा है, टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है, अगर 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जा रहा है तो यहाँ पर इसकी वजह से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जितनी स्पीसीज हैं वो हाई रिस्क पर चली जाएंगी, क्योंकि उनकी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, उनकी ज़िंदगी रहना सहना खाना पीना एक तरीका होता है। आप लोगों को ये बताऊँ, जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा ना, धरती पर जो फसलें उगी उगाई जाती हैं जिसको खाकर हम लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, वो भी आप लोगों को बर्बाद होती नजर आएगी, ऐसी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, एक सबसे खतरनाक चीज़ तीसरे नंबर पर ये आती है, अगर इम्पैक्ट में आप लोग बात करें, जो लोग डिपेंडेंट होते हैं, अगर आप लोग यहाँ जाएंगे कोस्टल एरिया में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो कि मैरीन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मछली पकड़ना इन सब चीज़ों से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है, खासकर लो इनकम कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। सोचो कितने सारे परिवार जो हैं वो इसकी वजह से बेघर हो जाएंगे अगर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो लोगों की लाइफ में इसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारी इनइक्वलिटी भी आप लोगों को आती हुई नजर आएगी, तो ये समझ सकते हैं। तो अगर एमिशन को हम लोग सुधारेंगे, थोड़ा सा ठीक करेंगे, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ हम लोग इम्प्रूव करते हुए नजर आएंगे। तो इनडायरेक्ट वे में बोले तो एक तरीके से ये मैरीन लाइफ के बारे में बात नहीं की जा रही है, आज की डेट में हम लोग वन वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और जब वन वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम भी उसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा वन वर्ल्ड वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, यानी कि अगर आज के डेट में हम लोग अपने जो फॉरेस्ट यानी कि जंगल, अपना जो ओशियन यानी कि समुद्र, इसी के साथ में अपना इन्वायरमेंट जहां पर हम लोग रहते हैं, अगर इन चीजों को हम लोग साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो आप लोग ये सोचो कि हम लोग कैसे ठीक रह पाएंगे। ये तो बिल्कुल यही बात हो गई कि एक परिवार है, उस परिवार एक घर के अंदर एक परिवार है, उस परिवार के अंदर में 5 लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा दारू पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और उस परिवार में एक इंसान ऐसा है जो कि कुछ नहीं करता है, वो कब तक सर्वाइव कर पाएगा वहां पर ये बता दो। ये तो छोड़कर भागे तब सर्वाइव कर पाएगा, और छोड़ के भागने का अगर उसके पास में ऑप्शन ही ना हो, पृथ्वी छोड़कर भाग सकते हो, इलोन मस्क तो भाग जाएगा भाई साहब, उसके पास में तो है पैसा, आपके पास में इतना पैसा, पृथ्वी तो दूर की बात है, आप लोग क्या अपना शहर भी चेंज करने का बूता रखते हैं कि हाँ हमारा शहर ये है और इतना पैसा है कि ये सिटी खराब हो रही है दूसरी सिटी में जाके बस जाएं। आप लोगों को 99% लोग जो हैं ये प्रॉब्लम को फेस करते हुए नजर आएंगे, 1% या फिर उससे भी कम लोग ऐसे हैं जो कि अपनी सिचुएशन को सुधार सकते हैं प्रॉपर वे में। तो इसलिए हमको सुधरने के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास में है नहीं, आप लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, सजेशन क्या दे सकते हैं कि चूज करना पड़ेगा सस्टेनेबल पाथ, यानी कि ऐसा पाथ जहां से चीजें सुधारी जा सकें वो चूज करना पड़ेगा। कोयला यूज कर रहे हो, कोयला यूज करना बंद करना पड़ेगा, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी यूज करो, सोलर पैनल, विंड एनर्जी यूज करो, उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा, और इसका काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोग को ओशन लाइफ पर भी देखने को मिलेगा। एमिशन को कट करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग पेड़ लगा सकते हैं, पर लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे हैं, और ज्यादा पेड़ हम लोग काट रहे हैं, यानी कि पेड़ों को बर्बाद कर रहे हैं और ज्यादा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कितने सारे पेड़ काट दिए गए वहां पर बेसिकली सफारी चलाने के लिए उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर में, बताइए कौन सा था वो, याद आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ। एक ऐसी कंडीशन आप लोग देखते हैं, हमारा देश दुनिया में 3rd नंबर का देश है जहां पर 3rd नंबर पर सबसे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना, और उस देश में भी आप लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि लोग जो है इन्वायरमेंट का एक तरीके से इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोटेक्ट करना है ओशन को, ओशन जो है अगर वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे तो बहुत सारे ऐसे आइलैंड भी एक तो डूबते हुए नजर आएंगे, खासकर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसी के साथ में जो मैरीन लाइफ है वो अगर मरना स्टार्ट हो गई तो लोग भूखे भी मरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतनी पृथ्वी हमारे पास में नहीं है ढंग से अगर देखा जाए कि सबको खाना ही खिलाया जाए। जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी अगर एक बार को उन्होंने भी खाना खाना स्टार्ट कर दिया तो क्या इतने लोगों का पेट हम लोग भर पाएंगे। याद आ रहा है वो आर्टिकल जो मैंने डिस्कस किया था कि 2050 तक अगर जो हम लोग उगा रहे हैं उसको हम लोगों ने डबल नहीं किया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सिटीज में लोग जा रहे हैं आज की डेट में निकल निकल कर, ये आप लोग उससे समझिए, जहां पर हमारी खेती करने वाली लैंड है वहां पर हम लोग कहीं पुल बना रहे हैं, कहीं ट्रैक बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं वहां पर, और खासकर जहां फॉरेस्ट है उसको काट काट कर हम लोग खेती कर रहे हैं। तो यानी कि पैटर्न जो है वो अपोजिट चल रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। बोला था ना अमेजन के फॉरेस्ट में ब्राजील के अंदर में इतने सारे जंगल साफ कर दिए ओनली खेती करने के लिए, और मैक्सिमम एरिया में क्या कर रहे हैं, खेती की जगह को खराब कर करके वहां पर सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। उनकी भी गलती नहीं है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए पहले जमीन पर दूर दूर एक गांव में एक घर यहां हो गया, एक घर यहां हो गया, ऐसे हुआ करते थे। अब जमीन पर जगह नहीं बची है रहने के लिए, इसलिए जो बिल्डिंग की हाइट है ना, अब आप लोगों को उसकी ऊंचाई दिखना स्टार्ट हो चुकी है बिल्डिंग की, कि बिल्डिंग कोई 20 मंजिली, कोई 30, कोई 50 ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं,
क्योंकि आसमान में कहीं तक भी जा सकते हैं, पर जमीन तो लिमिटेड ही है ना, उस पर तो हम लोग बेसिकली देखना पड़ेगा कि कितने लोग रह सकते हैं। तो ये सिचुएशन है, लोगों की संख्या बढ़ रही है और उसके चलते जमीन उतनी की उतनी है, पानी उतना का उतना ही है, हवा वैसी की वैसी है। तो ये हम लोग को सोचना पड़ेगा कि इनको कैसे ढंग से यूज करना है। तो क्या क्या मेथड यहाँ पर हो सकते हैं इन चीज़ों को अडेप्ट करने के, वो मेथड हम लोग को समझने पड़ेंगे, तब जाकर सिचुएशन जो है वो यहाँ पर संवरने वाली है। मतलब कहने का ये है, घुमा फिरा कर बात ना बोली जाए, अगर सीधा सीधा बोला जाए कि अगर ये सिचुएशन अभी नहीं संभली तो जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 बोल के चले गए, ऐसी 27 भी आएगी और 28 ऐसी चलती रहेंगी। अभी 27 और 28 कहां पर होने वाली है वो आप लोग बताइए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया यहां पर यूपीएससी के द्वारा 2018 में, ये यूपीएससी ने पूछ लिया, आगे आप लोगों से स्टेट पीसी से भी पूछा जा सकता है किसी भी स्टेट के अंदर में। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी को फॉलो करते हैं सारे के सारे देश के स्टेट, तो अगर आप लोग यूपीएससी को समझ गए तो स्टेट पीसीएस आप लोगों को बिल्कुल हलवा लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि यूपीएससी के लेवल पर आकर तैयारी करो, अपने स्टेट पीसीएस के लेवल पर तैयारी करते रहोगे तो फिर आप लोग उस लेवल पर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो स्टेट पीसीएस भी देते हैं, तो अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बात की जा रही है एक तरीके से, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्प्रेडिंग डेड जोन इन द मैरीन इकोसिस्टम। तो जब आप लोगों को डेड जोन के बारे में ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन में क्या लिखोगे आप लोग, आप लोग क्या कॉन्सिक्वेंसेस बताओगे जब आप लोगों को यही नहीं पता कि यार ये क्या है। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डेड जोन क्या होता है, एक काफी कॉमन सी टर्म यहां पर रख दी गई है डेड जोन, बिल्कुल ऐसे जैसे बजट के बारे में बात नहीं करते, बजट बोल देते हैं हम लोग जरा सी देर में, हर एक इंसान पकड़ लेगा, पर लेकिन उसी क्वेश्चन में जिसमें बजट बोल रहा है वो अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दे तो आधे से ज्यादा लोगों की जो है पसीने छूट जाएंगे कि यार ये क्या आ गया, तो पहली बार सुन रहे हैं। ऐसे यहां पर लुसने सामने वाले ने डेड जोन लिख दिया, नॉर्मल भाषा में बोल देता कि समुद्र के अंदर में जहां जहां ओशियन की कमी है वहां वहां पर जीवन जो है मुश्किल होने वाला है, यानी कि समुद्र के अंदर में जहां जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां जीवन मुश्किल होने वाला है, सीधी सीधी लाइन लिख दी, पर लेकिन ऑक्सीजन की कमी ना लिखकर डेड जोन लिख दिया, समझ रहे हैं। तो ये टर्म्स भी आप लोगों को तैयार करनी पड़ेगी, इन टर्म्स के अगर मीनिंग नहीं पता होगा क्वेश्चन जानते जानते भी आप लोग छोड़कर आ जाओगे। इसलिए कहता हूं कि पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर जरूर देखा करो, वो आप लोगों के लिए गाइडिंग फेथ आप लोगों का क्रिएट करेंगे, एक पाथ क्रिएट करेंगे, और ये भी पता चलता रहेगा। मैं क्वेश्चन देखने के लिए क्यों बोलता हूं, इससे ये भी पता आप लोगों को चलता रहेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, यानी कि आप लोग सही जगह पढ़ रहे हो या फिर आप लोग गलत जगह पढ़ रहे हो, इसका भी आंकलन आप लोग कर पाओगे जब क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखोगे। क्योंकि अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग यार एक तरीके से नहीं एक गलत जगह पढ़ रहे हो, तो आप लोग के अंदर उसको लेकर श्योरिटी आएगी क्वेश्चन देख के कि हाँ हम लोग सही पढ़ रहे हैं, जब उन क्वेश्चन को आप लोग समझोगे बैठ के कि यार ये तो समझ में आ रहा है आराम से। ठीक है, बस प्रैक्टिस बच जाती है, फिर प्रैक्टिस आप लोग करनी है। तो जहां जहां भी ये रेड जोन आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये इनडायरेक्ट वे में डेड जोन है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी देखने को नॉर्मली मिलती है, तो ये अलग अलग एरिया में ऑक्सीजन में कई जगह क्रिएट होता हुआ नजर आता है। ठीक है, ऐसा ही यहां पर अगर बात करें, एक कॉमन टर्म इसके लिए यूज की जाती है हाइपोक्सिया। ठीक है, तो डेड जोन को मोर कॉमन टर्म अगर बोल दे, डेड जोन नहीं लिखना, अगली बार तो यूपीएससी ने बोला डेड जोन तो पढ़ा दिया होगा उसको ना एक तरीके से, कि वीर का लेक्चर सुनते हैं सारे, वीर ने उनको बता दिया कि डेड जोन को एक तरीके से ऑक्सीजन की कमी बोलते हैं। ठीक है, एक नया शब्द निकाल के लेके आया, वो तो बताया नहीं होगा, वो शब्द क्या है, वो है हाइपोक्सिया, HYPOXIA, पर उनको क्या पता है कि SLV फैमिली सब चीजों से अपडेट है, हाइपोक्सिया भी पता है। इसको बोलते हैं कि रिड्यूस लेवल हो गया है ऑक्सीजन का पानी के अंदर में। तो डेड जोन लिख दे चाहे फिर हाइपोक्सिया लिख दे, दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाए इसको लगाकर कि हाइपोक्सिया क्या है, तो बोल देंगे बीमारी का नाम है, एक वायरस का नाम है, किसी सैटेलाइट का नाम है, ऑक्सीजन में जो ओशन में ऑक्सीजन की कमी है उसको बोलते हैं, तो क्वेश्चन भी ऐसे यहां से बन जाते हैं। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बने तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कैसा लगा आर्टिकल, फीडबैक जरूर देना, जैसा भी लगता है अच्छा या बुरा कोई डाउट नहीं है, पर लेकिन फीडबैक जरूर दे दिया करो, एक सेकंड लगती है, अपना प्यार दिखा दिया करो, और या फिर गुस्सा भी दिखा सकते हो डिसलाइक कर। ठीक है, गुस्से वाली बात हो तो गुस्सा भी दिखा देना कि सर ने क्या कर दिया, कुछ नहीं पढ़ाया, जो भी आप लोगों के मन में आता है जरूर बताया करो। ठीक है, और जोश कैसा है, हाउस द जोश, जोश नहीं बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। एक बच्चा तो ये कह रहा है कि सर हर आर्टिकल जिसने सेंड किया था उसने बोला कि सर इसको वीडियो के स्टार्टिंग में लगा देना, पर मुझे लगा कि इसको ऐसा करता हूँ हर आर्टिकल के एंड में लगा देता हूँ, आर्टिकल खत्म हुआ हाउ द जोश हाई सर कैसा रहेगा दो सेकंड का रहेगा, पर लेकिन इंटरेस्टिंग एक तरीके से आप लोग अंदर एनर्जी बनी रहेगी, है कि नहीं बताइए कैसे ये सही रहेगा, फिर जो भी आप लोग की राय बताना जरूर। ओके, हाउ द जोश, हाउ द जोश। न्यूज़ एनालिसिस वाला पोर्शन जरूर देख के जाना, और ठीक है कभी फिर बोलो कि मतलब ये क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ, क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वोकैबुलरी भी कवर करूंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वन डे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, उस पोर्शन को जरूर कवर करना है। ठीक है,
क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप लोगों को लगता है अरे ये कहाँ से आ जा रहे हैं, तो वहां पर कंप्लीटली वो चीजें रहती हैं। ओके आगे बात करते हैं, जिंदगी में बात करें चाहे आप लोगों की बात करें, यहाँ पर बेसिकली किसी प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटी होना जरूरी है। तो उसी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए हमारी कंट्री में है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करें या फिर सिल्वर जुबली बना रहे हैं। सिल्वर जुबली क्या होती है, मतलब 25 साल होते हैं ना, हाँ 25 साल, ठीक है। तो यहाँ पर श्री पीयूष गोयल जो है वो चीफ गेस्ट थे यहाँ पर। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है बेसिकली कंपेन कि गुणवत्ता के ऊपर फोकस देना है, ठीक है। तो एक तरीके से गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता। देखिए अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे देश की कप सिरप कहीं पर गई और वहां पर कई सारे बच्चों की जान चली गई, तो कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी में कोई कमी रही ना, तो हम लोग को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि कहाँ कमी रह गई, क्योंकि उससे हमारी इमेज खराब हुआ, चलो वो तो एक अलग बात है, उससे पहले हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि उन बच्चों की जान चली गई, ठीक है। कल मैंने जब आर्टिकल डिस्कस किया तो कुछ पाकिस्तान से भी यहाँ पर बेसिकली न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं, मतलब वीडियो देखते हैं, तो मुझे बकायदा मेल कर रहे हैं लिख के, कह रहा है क्यों भाई वीर, मतलब अब अपनी इंडिया की इमेज खराब हो रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने लगे, WHO के ऊपर ही लांछन लगा दिए, अपनी कंट्री कंपनी के ऊपर लांछन मत लगाना। मैंने कहा अच्छा। मुझे बड़ी ऐसी आई पड़ गई, अच्छा ये लगा कि मतलब देखो अच्छा ही लग रहा है कि हमारे जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर इस जैसे चैनल के ऊपर यूट्यूब पर, तो जितने भी देश के अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं उनको अलग अलग देश में बेसिकली लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी की लाइफ में जरा सी भी प्रोडक्टिविटी आती है तो समझो जो इंडियंस हैं यानी कि हम लोग जो है कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई अगर देख रहा है स्टडी लवर का लेक्चर, जैसे मैं जब एनालिसिस में जाता हूँ तो वहाँ पर लगभग 1 या 1.5% के करीब जो लोग हैं जो व्यूज आते हैं इस चैनल के ऊपर में वो पाकिस्तान से आते हैं, ठीक है। लगभग यूएसए से भी आते हैं लगभग 1-1.5% के, यूएसए पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जो व्यूज आते हैं वो आते हैं इंडिया से, वो तो नॉर्मल सी बात है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो व्यूज आते हैं वो आते हैं यूएसए और यूरोप से, क्योंकि वहां पर बहुत सारे देश के लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं एनालिसिस देख रहा था तो उस तरीके से देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें देश के अंदर से तो वो तो हर एक एरिया से आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे। आप खुद बताओ किस किस राज्य से आप लोग आते हैं तो उससे पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पर वो चीजें जब क्वालिटी की बात की जाती है तो यहां पर ऐसा है कि लोग इस तरीके से चीजों को समझना कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, उनको न्यूज चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान वाले क्यों देख रहे हैं, उनकी सर्विस में आएगा वो तो मुझे पता नहीं, पर हाँ उनको अपडेट चाहिए हमारे देश के बारे में, तो ये अच्छी बात है। तो यार देखो कोई भी अपने देश के बारे में बुरा नहीं बोलेगा, पर हाँ अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको बुरा बोलना बनता है। देश को बुरा क्यों बोला जाए, यहाँ पर उस पर्टिकुलर कंपनी को बुरा बोला जाए ना जिसने ऐसी हरकतें की हैं, हमारे देश की इमेज खराब कर रही है वो कंपनी, तो उसको बुरा बोला जाएगा ना कि देश को बुरा बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये बोलूँ कि जयशंकर साहब को बैठा के मुर्गा बना देना चाहिए उनको कि ये चल क्या रहा है, कर क्या रहे हो ये, ठीक है। हम लोग इमेज सुधारते सुधारते थक गए यहाँ पर, तुम बर्बाद करते हो, नहीं थक रहे हो। तो यहाँ पर क्वालिटी जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि क्वालिटी ही बोलती है इंसान की जिंदगी की हो चाहे यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्ट की वो। इसीलिए आप लोग कभी भी जाते हैं तो ब्रांडेड ब्रांडेड चिल्लाते हैं आप लोग, ठीक है। ब्रांड का मतलब ये रहता है कि आप लोगों को ट्रस्ट है कि ये प्रोडक्ट में जान है, तो वो ब्रांड की बात आ जाती है वहां पर, वरना और कुछ नहीं है। तो इसीलिए यहां पर ये एक इसको मेंटेन रखने की बात करें, हम लोग आत्मनिर्भर कब बनेंगे, जब क्वालिटी को हम लोग ढंग से लेकर चल पाएंगे, तो ये बात रखिए। तो इसके अभी साल पूरे हुए तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर बात करें यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहां पर ये इसलिए बनाया गया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यहां पर अभी रिसेंटली इसरो के बारे में पूछा गया था, ठीक है, कि देश में ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं, पावर जो है प्राइवेट के हाथ में दे देना चाहिए, इसीलिए हमारे देश में बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। पर लेकिन ऐसा है क्या, आप लोगों को लगता नहीं कि कुछ गवर्नमेंट की एजेंसी शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, उसमें इसरो भी एक है जिसको सैल्यूट करने का मन करता है। तो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज ए क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी परफॉर्मेंस, इसके ऊपर आप लोग कमेंट करना है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो क्वालिटी के बारे में जब बात करें तो इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी जरूर है। सोचो हमारी कंट्री में यूपीएससी की क्वालिटी बिगड़ कर अगर स्टेट पीसीएस जैसी हो जाए तो क्या होगा, आप लोगों को क्या लगेगा, मतलब सारे ऐसे आईएएस निकल के आएंगे जो कि देश को चूस डालेंगे, क्यों, क्योंकि सारे करप्ट प्रैक्टिस के थ्रू वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कभी भी यूपीएससी के अंदर आप लोगों को ऐसा पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कोई किसान का लड़का बन रहा है, कोई रिक्शे वाले का लड़का बन रहा है, कोई झुग्गी झोपड़ी से निकल कर आ रहा है वो आईएएस बन रहा है, किसी को दिखता नहीं है वो आईएएस बन रहा है या फिर यूपीएससी में सेलेक्टेड हो रहा है, तो वहां पर क्वालिटी बोलती है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखती है अगर किसी देश को आगे लेकर जाना है। अगर इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी बिगड़ना स्टार्ट हो गई तो फिर दिक्कतें देखने लगेगी। ऐसे ही हमारे देश में अगर बात करें जैसे यूपीएससी हो गई, इसी के साथ में कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अडिया, फिर लोअर कोर्ट, ये शानदार परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें सर्वाइव हैं। वरना पॉलिटिकल पार्टी आप लोग देखो वो किस पैटर्न में जाती हैं,
आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो वोट के लिए किसी भी हद तक जाती हैं। एक वीडियो डाली थी मैंने कल ही, अगर संडे वाली आप लोगों ने देखी हो, मुर्गा और वहां पर मतलब पोवे पकड़ाए जा रहे हैं लोगों को, लो प्योर मजलो। तो इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी फिर यहां पर बेसिकली आप लोग घटती हुई नजर आएगी जब इस तरीके के लोगों को बैठाओगे। कभी भी किसी को वोट देनी है तो एक बात ध्यान रखना, ना तो राहुल गांधी को देखना है, ना अरविंद केजरीवाल को देखना है, ना मोदी जी को देखना है, ना कि राहुल गांधी जी हो चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो चाहे मोदी जी हो, किसी भी लीडर को नहीं देखना है। ये देखना है आप लोगों के लोकल एरिया में कौन है आप लोगों का सांसद और कौन है आप लोगों का विधायक, उनको देखना है, क्योंकि वही काम करने वाले हैं। लीडर आप लोगों के एरिया में आकर नहीं झांकेंगे, आप लोगों का लोअर एरिया में जो MLA है या फिर MP है वो आकर झांकेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, तभी इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे। वहां पर पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो तभी इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी, उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग होगी, प्रॉपर फंड मिलेगा, फंडिंग नहीं मिल पाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इसलिए दिक्कत देखने को मिलती है। एक मूवी आई थी अभी आप लोगों ने देखी होगी, वो शानदार मूवी थी जो साइंटिस्ट के ऊपर बनाई थी, याद आ रही है मूवी? मूवी का नाम बताओ, चलो देखता हूँ किस किस को बताना है। मैंने उस दिन देखी थी, उस दिन आप लोगों को बोला था कि मूवी जरूर देखना। वो एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी बताती है कि जिसमें बेचारा साइंटिस्ट फ्रस्ट्रेट होता हुआ इधर उधर घूमता रहता है, बेसिकली देश को एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कराने के लिए जिसके चलते देश जो है काफ़ी सारी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाती। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, तो वो इंस्टीट्यूशन के अंदर फंडिंग नहीं होती है, कई बार वो भी दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पर क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो 1996 में इसको बनाया गया था। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि प्रॉफिट के ऊपर काम नहीं करती है, देश को कैसे आकर लेकर चलना है, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रखनी है, उसके ऊपर काम करती है। और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया, इसके अंदर रजिस्टर किया गया। ये जो है बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंदर, बेसिकली नोडल एजेंसी किसके अंदर है यहाँ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, ये बेसिकली पॉलिसी एंड प्रमोशन, याद रखिएगा ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट आप लोगों से स्टेटमेंट देकर कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कंपोजिशन जो है यहाँ पर गवर्न की जाती है 38 मेंबर के द्वारा, जो कि रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट भी रहती है, उसमें इंडस्ट्री भी रहती है और कंज्यूमर भी रहते हैं। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि सबका पार्टिसिपेशन यहां पर देखने को मिलते हैं। तो मोदी जी का नारा नहीं है सबका साथ सबका विकास, तो वो देखने को मिलेगा। चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्या आज की डेट में कोई चेयरमैन है इसके, तो बताइए जरा। एक तरीके से क्रिएट करती है मैकेनिज्म कैसे थर्ड पार्टी असेसमेंट कर सके कि कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है या फिर कोई प्रोसेस है उसमें क्वालिटी है कि नहीं है। मार्केट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है फालतू के प्रोडक्ट ऐसे ऐसे निकल कर आएंगे जिसकी कुछ हद नहीं, और डुप्लीकेट होते हुए प्रोडक्ट नजर आते हैं। जैसे एप्पल की घड़ी आ गई, एप्पल का फोन आ गया, उसी के पैटर्न पर दुनिया भर के फोन प्रोडक्ट आप लोगों को बनते हुए नजर आएंगे। अब कंडीशन ये है उनकी क्वालिटी इतनी नहीं होगी, किसी का फोन फट गया, किसी का कान फट गया, ये फोन लगा रखा था। एक ध्यान रखना, कभी भी फोन चार्जिंग पे लगाए हुए बात नहीं करनी है, क्योंकि जब भी फोन चार्जिंग पे लगाते हैं तो फोन थोड़ा सा गर्म होता है और एक तरीके से उसमें थोड़ी सी आप लोगों को देखने को मिलेगा चीज़ें, बैटरी कई बार थोड़ी सी हल्की सी मतलब एक तरीके से हीट करने लगती है। अगर कान पे रखोगे, कॉल भी करोगे, ऊपर से चार्ज भी हो रहा है, तो फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर कान उड़ जाएगा, बेसिकली दिक्कतें हो जाएंगी जिंदगी में बहुत सारी, बिना कान के जी नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं बिना कान के गंदे हो जाओगे, सुना है ना वो डायलॉग, बिना कान के अंधे कैसे हो जाएंगे, मतलब चश्मा कैसे लगाओगे, समझ रहे हो? तो मतलब कहने का है कि सिक्योरिटी आप लोगों के हाथ में, अपना ध्यान रखा करो थोड़ा सा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस, उन सब पर फोकस देना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल पर, खासकर इसके बारे में जब हम लोग बात करें, चाहे नेशनल लेवल पर बात करें, चाहे स्टेट लेवल पर, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चाहे गाँव के लेवल पर, तो उसकी क्वालिटी के बारे में बात करें और इसको अडेप्ट करना है, क्वालिटी का स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन रखना है, क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रख पाएंगे तो फिर दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन अगर बात करें तो एक जगह नहीं हजारों जगह है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द कोल इकोसिस्टम अगर बात करें आज की डेट में, बहुत बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखना है कोल सेक्टर के ऊपर अगर बात करें आप लोग यहां पर। ठीक है, इसी के साथ में कोलैबोरेट करना है यहां पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कैसे फूड की क्वालिटी को मेंटेन रखना है। याद है वो मूवी जोन सी बताई थी भाई साहब, उसको देखने के बाद में ना कभी भी कहीं भी जाओगे तो हमेशा सबसे पहले खाने का प्रोडक्ट अगर उठाओगे तो उसकी एक्सपायरी डेट देखोगे, कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदोगे तो। वो एक तरीके से ऐसी मूवी लगी थी जिसने पर्सनली मेरी लाइफ पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला था, तो इस तरीके की मूवी जरूर देखा करो। ठीक है, इसी के साथ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जब बात की गई थी कि एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में से एक ऐसा प्रोडक्ट ऐसा निकाल कर लेकर आना है कि वो प्रोडक्ट उस डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही जाना जाने लगे। ठीक है, तो क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी बोलती है, अगर आप लोग कहीं पर भी उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके ऊपर फोकस दिया गया, इसीलिए GI टैग लेकर आए गए, ये भी क्वालिटी को ही दर्शाते हैं। एक प्रोडक्ट है GI टैग जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक बोलते हैं, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर दार्जिलिंग की टी को अगर भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है और कोई बैठा हुआ है तमिलनाडु के अंदर में, वो वही चाय के ऊपर दार्जिलिंग का ठप्पा लगा रहा है और उसका क्वालिटी वो नहीं है, तो फिर दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी, तो इसका आप लोग ध्यान रखिए। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं, जो भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट अच्छा चलता है उसकी डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनने आप लोगों को मार्केट में नजर आने लगेंगे, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट क्यों हो, तो आप लोगों को पहचानना है। और मैंने एक स्टडी के बारे में बताया था, आप लोगों को याद होगा 80% ऐसे हैं, ये रवीश जी के द्वारा भी अपना नया यूट्यूब का चैनल बनाया गया, उनके द्वारा ये बात बोली गई थी कि लगभग 80% आप लोगों को ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसी ही बना दी जाती है कि वो जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट के जैसा लगने लगता है। तो आप लोग ये समझिए, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को वहां पर अपना बेसिकली जो हमारा लेक्चर आता है उसके थंबनेल का भी उदाहरण दिया था। जो थंबनेल आप लोगों को देखना है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ऐसे ही थंबनेल बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं, मुझे पता है इसीलिए मैंने पिक्चर लगा रखी है उस थंबनेल के ऊपर, ठीक है, ताकि आप लोग पहचान सके कि ये कौन सा किसका बेसिकली ये वीडियो है, ठीक है। और आप लोगों को हिंदू के बीच में यहाँ पर अपना झंडा लगा हुआ मिलेगा, दा और हिंदू के बीच में, ताकि इसमें डिफरेंस क्रिएट हो सके, क्योंकि अब उनको रोका तो जा नहीं सकता है जिन्होंने ऐसा का ऐसे ही थंबनेल बना लिया। उनका बेसिक फंडा यही है कि लोग जो है गुमराह हो जाएं, इसीलिए कई सारे लोग जो है एक तरीके से गलती गलती में खोल लेते हैं। इस तरीके से बहुत सारे हैं, एक नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं आज के डेट में, क्योंकि वो देखते हैं कि यहां पर इस चैनल पर बढ़िया चैनल चल रहा है, बढ़िया वो चल रहा है, इसलिए वहां पर उठने क्या गया, उठा उठाकर फिर अपना उसी तरीके से थंबनेल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों को समझना है कि यहां पर कौन सा आप लोगों को चाहिए और क्या आप लोगों को देखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही नहीं पढ़ा रहे हैं, वो जैसा भी पढ़ा रहे हैं सही गलत वो अपनी जगह सही है, पर लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को क्या करना है। अगर आप लोगों को लग रहा है मैं सही पढ़ा रहा हूं तो मेरा देखना है, कोई और सही पढ़ा रहा है तो उसका देखना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। पर ये नहीं कि देखना किसी और का चाह रहे थे, किसी के चक्कर में किसी और का जाके देख लिया, इससे क्या होता है आप लोग चाहो कुछ और रहे थे कुछ और मिल गया, और यही होता है डुप्लीकेशन मैक्सिमम, ये दिक्कत निकल के यहां पर आती है। उसी को रोकने के लिए यहां पर ये कंडीशन रखी गई है, ठीक है, ताकि डिफरेंस क्रिएट किया जा सके। तो हर एक वीडियो में जो भी मैं बनाऊंगा उसमें अपनी पिक्चर लगा देता हूँ थंबनेल के ऊपर। ये बेसिकली इसीलिए स्टार्ट किया, पहले मैं नहीं लगाता था, पर बहुत सारे बच्चों के मेल आने लगे सर ऐसा कुछ है कन्फ्यूजन में ये चल रही है, तो इसीलिए फिर पिक्चर लगानी स्टार्ट की हर एक जगह, ताकि आप लोगों को कम से कम कन्फ्यूजन न हो, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इसके द्वारा कई सारे अचीवमेंट देखने को मिले। और हाँ, एक बात और, जो भी प्रोडक्ट आप लोग मार्केट से खरीदते हैं ना, कोशिश क्या करो कि उस कंपनी का लोगो उस पर देख लिया करो, उस पर एक्सपायरी डेट आप लोग देख लिया करो, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है वो आप लोग एक बार देख लिया करो, जो खाने पीने का खासकर प्रोडक्ट खरीदते हैं, और ब्रेड की डेट तो आप लोग और दूध वगैरह जो लेते हैं उनकी डेट तो आप लोगों को ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो इसके की अगर बात करें जो अचीवमेंट है यहाँ पर, तो इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है कि टॉयलेट जो बनाए जा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत, लोगों की लाइफ को इंप्रूव कर रहे हैं वो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो डिलीवर की जा रही है गांव के अंदर में, एक बच्चा जो कि गांव में बैठा है, मुझे अभी भी याद है लैंप से पढ़ा करता था, ठीक है, लैंप आया करता था यहाँ पर इस तरीके से कांच का, वो लालटेन नहीं लैंप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लैंप हुआ करता था यहाँ पर, याद होगा पेज काटकर बीच में से फाड़कर ऐसे लगा ले करते ताकि आंखों पे रोशनी ना पड़े, और उसके इतने शीशे फोड़े हैं जिसकी कुछ हद नहीं है भाई साहब, मतलब दूसरे तीसरे दिन बोलता नहीं फरा, हफ्ते में या 15 दिन में एक शीशा चटक जाया करता था, ठीक है। कई बार तो ऐसा लगता था बेटा आप पिटेंगे, फिर से एक शीशा फोड़ दिया, आधी बार तो ऐसा हुआ शीशा फूट गया और इससे पहले पता चले किसी को लाके दूसरा लगा दिया। तो ये भी कंडीशन देखने को मिलती थी, ठीक है। तो इसके चलते अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, खासकर जो गांव में बिजली पहुंचे तो गांव में भी बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर सके, क्योंकि मोबाइल पहुंचेगा इंटरनेट पहुंचेगा जब तक बिजली नहीं होगी तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में पीएम आवास योजना होगी, ठीक है, उज्ज्वला योजना होगी, सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड कराना, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं गांव वाले एरिया में, इसलिए चीजें यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। कि इंपॉर्टेंस क्या है टॉपिक की, तो खुद आप लोग समझ लीजिए, 2017 में यूपीएससी ने खुद क्वेश्चन पूछ लिया, पूरा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में ही क्वेश्चन पूछ लिया, और कुछ नहीं, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि कई बार ये न्यूज में रहती है, जब जब प्रोडक्ट की क्वालिटी सर्विस या कोई ऐसी चीजें डिक्रीज होती है तो ये न्यूज में आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आज क्वेश्चन आ गया तो फिर नहीं आएगा, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग अपने आपको तैयार रखना है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में बताना है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ज्वाइंटली बनाएगी गवर्नमेंट के द्वारा और जो भी यहां पर इंडियन इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा मिलकर, ठीक है। इसी के साथ में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है बात करें उसके चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, तो ए सही है, दो सही है, कोई सा भी, दोनों सही है, फिर कोई सा भी सही नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फिर से बोल रहा हूं, जैसे मैंने आप लोगों के लिए कल वीडियो अपलोड किए, दोनों चैनल पर अपलोड है वो, फिलहाल अभी कोई से भी चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हैं तो पहले एक बार क्वेश्चन को देखते ही वीडियो को पॉज कर उसको अटेम्प्ट कर लेना है, उसके बाद में आप लोग को खुद जो है क्वेश्चन को बेसिकली आंसर देने के बाद में आंसर देखना है। उससे दो फायदे होंगे, अगर गलत कर दिया तो यहीं गलत हो जाएगा, एग्जाम में गलत नहीं होगा, और अगर सही कर दिया तो कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छे से आप लोग एग्जाम में फिर और अच्छे से उसको बेसिकली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बातें,
तो इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी या फिर क्वालिटी काउंसिल के बारे में एक क्वेश्चन भी है, उसको अटेम्प्ट करना है। आई होप कि अब आप लोग गुणवत्ता का मतलब समझते हैं। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है लाइफ में जो आप लोग अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं, एक कोई क्वालिटी जो आप लोग लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, एटलीस्ट अपने लिए ट्रस्टवर्दी रहना, एक ऐसी चीज अपनी जिंदगी में लेकर आओ जिससे आप लोगों का अपने ऊपर विश्वास बढ़ने लगे, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे बहुत सारे काम आप लोग करना स्टार्ट कर दोगे अपने ऊपर अगर विश्वास आप लोगों का बढ़ने लगेगा तो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जब भी कोई भी सामान आप लोग बनाने की बात करते हैं, अगर वो सामान कुछ ऐसी चीजों से बनाया जाए जो कि इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट न डालें, यानी कि बुरा प्रभाव न डालें, तो वो प्रोडक्ट लंबे समय के लिए काफी अच्छा है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना हो अगर एप्पल जो भी अभी यहां पर इवेंट कर रहा था, उसमें उसने ये बोला कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि फोन के अंदर में जो भी वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अब ये तो पता नहीं, क्योंकि खोल के देख नहीं सकते आप लोग उसको अंदर से तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सामने वाला बोल दे कि भाई साहब उसके कमरे के अंदर ना बहुत शानदार शानदार पकवान रखे हैं खाने के लिए, और तुम ना उसको मतलब एक तरीके से उसके बारे में बताया कि रसमलाई भी है वहाँ पर, रसगुल्ले भी है भाई साहब वहाँ पर, ना एक से एक चीज़ें रखी हुई हैं। पता चले पर कंडीशन क्या है, ताला लगा हुआ है, ताला नहीं खोल पाओगे, तो भाई साहब बता क्यों रहे हो ये तो कंडीशन वही होगी, पता क्या क्या लगा रखा है, पर लेकिन अच्छी बात सुनने में जरूर लग रही है कानों को, ठीक है। तो अभी यहां पर जो स्टील वाला सेक्टर है उसको ग्रीन बनाने की बात की जा रही है। जब स्टील बनाया जाता है, जो कि आज की डेट में आप लोग अपने पास स्टील के बर्तन देखते हो दुनिया भर के, जब लड़ाइयाँ होती है घरों में स्टील के बर्तन फोड़े जाते हैं ना, सारे बर्तन भांडे फोड़े जाते हैं, उठा उठा के किसी गुस्सा है तो स्टील की थाली मारी फेंक के, ठीक है। और मोदी जी ने थाली बजवाई थी, वो भी उस टाइम पर बेचारी स्टील की थाली की ही पिटाई हुई थी, याद आ रहा है, वही स्टील, उसी स्टील के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वही स्टील की चम्मच जो डेली दो बार आप लोग जिसको खाने के लिए यूज़ करते हो, दो या तीन बार जितनी बार भी खाते हो, तो इस तरीके से समझ सकते हो। तो उसी स्टील के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उस स्टील को बनाने के लिए नॉर्मली एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली कोयला, क्रूड ऑयल, वो सब चीज़ें जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाती है। तो हमारे देश में उसी के ऊपर काम किया जा रहा है, और स्टील में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी को हम लोग ग्रीन स्टील बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इस्तेमाल होने वाली जो भी एनर्जी रहेगी वो यहाँ पर कोयले से या फिर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा जो तेल होता है उससे नहीं होगी। ये किसने बात बोली है? प्रधान, जो हमारे आज की डेट में हमारे देश के जो बेसिक प्रधान बोल रहा हूँ सॉरी हमारे देश के जो आज की डेट में जो पर्टिकुलर जो इस पर्टिकुलर क्षेत्र के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई है। और यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उनके द्वारा लॉन्च की गई प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट जो है उसके तहत यहाँ पर कई सारे काम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है अभी फिलहाल के टाइम पर कि आज की डेट में जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस कौन है, देखता हूँ कौन कौन बताता है, ठीक है, कुछ बातें जो कि आप लोगों को जानने को मिलेगी। अभी ग्रीन जो स्टील यहाँ पर शब्द यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा मैंने बता दिया कि कोई भी गलत जो प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया जाएगा इसको बनाने के लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, या तो हाइड्रोजन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। कोयला गैसिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की जाए तो लो कार्बन वाली चीज़ों को यूज़ करना है, ताकि एक तरीके से स्टील की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और यहाँ पर जो खासकर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो भी यहाँ पर रुके। लो कार्बन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ किया जाएगा। तो एक तरीके से अभी हमारे देश में नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था, इन्हीं जगह पर यहाँ पर अब उसको इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, देखिए आज के डेट में कई बार चिल्लाते रहते हैं कि पोलिथीन यूज़ नहीं करनी है, पोलिथीन यूज़ नहीं करनी है, पोलिथीन की जगह कोई और चीज़ें यूज़ कर लो। वो कोई और चीज़ें हैं क्या, बताते तो होनी यार कोई और चीज़ें क्या हैं, और आप लोग बोलते हो कोई और चीज़ें यूज़ कर लो, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उसी के ऊपर काम करना जरूरी है। तो कार्बन कैप्चर के बारे में यहाँ पर बात, कार्बन को कैसे कैप्चर करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे स्टोर करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसी के साथ में एक तरीके से रिप्लेस किया जाएगा जो भी कन्वेंशनल सोर्स है, लो कार्बन हाइड्रोजन हो गया जैसे, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जा रही है, तो एक तरीके से हम लोग पूरा फोकस रहेगा कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस किया जाए, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। इनके अंदर लो कार्बन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके अंदर जीरो। ब्राउन हाइड्रोजन या ग्रे हाइड्रोजन के अंदर हाई कार्बन आप लोगों को देखने को मिलता है। और कार्बन से ही जब बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और इसी से जब बात करते हैं तो CH4 यानी कि मेथेन बनती है। और मेथेन के बारे में आप लोगों को पता ही है, कई बार मैंने बताया है, शायद एक क्वेश्चन मैंने जो वीडियो अपलोड की थी क्वेश्चन वाली उसमें भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर कार्बन एमिशन अब जब होता है और मेथेन एमिशन होता है, तो मेथेन जो है वो 80 गुना ज़्यादा गर्म रहती है, इन्वायरमेंट को गर्म करती है एज कम्पेयर टू कार्बन। यानी कि जो कार्बन जितना इन्वायरमेंट को गर्म कर रहा है उसका 80 गुना मेथेन गर्म करती है।
पर ऊपर वाला सब चीज देख रहा है, तो वो इतनी गनीमत कर दी है कि मेथेन जल्दी से यहाँ पर ज्यादा लंबे समय तक जो है इन्वायरमेंट में रुक नहीं पाती है, तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ी सी फायदा है, वरना मेथेन जो है बर्बाद करके रखते जरा सी देर में सब चीजों को। तो ऊपर वाला सब देखता है कहीं ना कहीं, आप लोग ये बोल सकते हैं, इसीलिए चीजें सर्वाइव करती रहती हैं। अगर स्टील के प्रोडक्शन के स्टेटस में बात करें तो वर्ल्ड जो बात करें, जो एक तरीके से क्रूड स्टील जो कच्चा स्टील होता है, तो उसके बारे में बात करें तो हमारा देश जो है वो काफी अच्छी पोजीशन पर है, ठीक है, लगभग सेकंड लार्जेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, टॉप पर तो चाइना बैठा हुआ है, ठीक है। स्टील के रिजर्व कहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जहां से स्टील बनाने के लिए जो रिजर्व हमारी जो चीजें निकाल के लाई जाती हैं, ठीक है, थेके? और यहां पर आंध्र प्रदेश भी है। इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर कौन से हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में है, वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में है, उड़ीसा में है और झारखंड में ये है। कंज्यूमर के बारे में बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया के, इंडिया ही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के इतने सारे काम चल रहे हैं, और पहले नंबर पर आप लोगों को चाइना ही नजर आएगा, क्योंकि वहां पर और भी लार्ज स्केल पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये बेसिक चीज है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं पूरी दुनिया में कहां कहां पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर जापान है, अभी यहां पर चौथे पर यूएसए है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आप लोग थोड़ा सा तो आइडिया कम से कम आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिएगा, इसके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब COAL जाकर आप लोग सर्च करोगे तो यहां पर खुल के आएंगी कई सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं कि यहां पर डिटेल में आप लोगों को डिस्कस भी किया गया इनके बारे में, जो भी आप लोग यहां पर देखते हैं कोयले के बारे में, तो सारी चीजें आप लोगों के सामने खुल के आ जाती हैं, ठीक है। जहां जहां भी कोयला शब्द भी यूज किया गया ना, वो भी आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। अच्छा, और नीचे भी है, मैं भी तो कह रहा हूँ कहाँ गया, ठीक है, ये वाला चाहिए था। तो ये देखिए, तो यहाँ पर कोयले के बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग बात करें तो जो 8 कोर इंडस्ट्री है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्टील दूसरे नंबर पर है, ठीक है, कोयला तीसरे नंबर पर है, क्रूड ऑयल चौथे नंबर पर है, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए आ जाते हैं। कोर सेक्टर में जब हम लोग बात करते हैं, लगभग 40% के करीब इनका आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कोर सेक्टर का, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर में, ठीक है। ये जो यहाँ पर इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए सारी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में हिंदी और इंग्लिश में भी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर डाली जाती हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो इनको आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। कई सारे आर्टिकल्स भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो इससे काफ़ी सारा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनको आप लोग अच्छे से इन्जॉय कर ले कीजिए, और इसी के साथ में जो डाउट हो उसको पूछ ले कीजिए। तो ये एक स्लाइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें सब चीज़ों का प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने रख दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि अक्सर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए कहता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक स्लाइड और है आप लोगों के लिए, ये इसी के बारे में बात की जा रही है, जो अभी टेलीग्राम पर मैंने चीज़ें दिखाई हैं, कन्फ्यूजन आप लोगों को इनको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी कहाँ कहाँ पर कितना ही ज़्यादा देखने को मिलता है, तो राउरकेला उड़ीसा के अंदर में, भिलाई हो गया, छत्तीसगढ़, ये बेसिकली स्टेट पीसेस में यहाँ पर आते हैं कई बार मैच करने के लिए, ठीक है। किस कंट्री के द्वारा सपोर्ट किया गया, याद रखिएगा, ये जर्मनी के द्वारा, ये रशिया के द्वारा, यूके के द्वारा और ये रशिया के द्वारा। तो ये दुर्गापुर हो गया और ये बोकारो हो गया, ये सबसे पहले 1959 में बनाया गया, ये भी 1959 में, ये 1962 में और ये 1964 में। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इस स्टेट से अगर आते हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, आप लोगों को थोड़ा सा और फोकस देना चाहिए। वैसे पूछा तो हर जगह जा सकता है, पर लेकिन थोड़ा सा और फोकस दिया जाए तो याद रखिएगा। बाकी अगर बात की जाए स्टेट वाइज स्टील के प्रोडक्शन के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे नंबर टॉप पर उड़ीसा है। तो जो देखा ना अभी उड़ीसा पीसीएस के जो बच्चे सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, तो वो टॉप पर चल रहे हैं अभी, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है, वो है झारखंड। तीसरे नंबर पर कौन है, वो है छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पर कौन है, वो है यहाँ पर कर्नाटक। पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र। छठे पर गुजरात। सातवें पर वेस्ट बंगाल। तो ये बेसिक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है मैच करने के लिए, आप लोग इनको लगाओ कि इंपॉर्टेंट स्टील के प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है, तो हल्का सा एक एनालिसिस जब आप लोगों के माइंड में रहेगा तो आप लोगों को ये तो पता लग गया ना कि ज़्यादातर कहाँ पर है, ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। कोई बोलने लगे आप लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर है, पंजाब के अंदर में है, तो वो तो आप लोगों के माइंड में नहीं आएगा ना, इस तरीके की चीज़ें। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो बेसिक चीज़ें हैं ये, जब आप लोग इस तरीके से समझने लगेंगे तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आने लगेगी, ठीक है। तो इसको आप लोग समझिए, कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अगर कन्फ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछती है यहाँ से, जी हाँ, ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे देखिए, पहले बता देता हूँ जो यहाँ पर आंसर राइटिंग क्वेश्चन पूछे गए, बोला गया कि अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल। तो इसके बारे में बताना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया 2020 के अंदर में, ठीक है, कि कहीं पर रो मटेरियल है और कहीं पर हम लोग यहाँ पर बेसिकली इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो कैसे उसमें चीजें देखने को मिलती हैं, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कहीं भी बन सकता है, ठीक है।
दूसरा यहां पर देखने को मिलेगा, इसी से चलते हैं यहां पर, अकाउंट फॉर द चेंज इन द जो स्पेशल पैटर्न होता है ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्री। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया, इसको कहते हैं यूपीएससी क्वेश्चन भी रिपीट करती है, देख लो आप लोगों के सामने यहां पर, ठीक है, लगभग उसी तरीका आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टॉपिक को ढंग से तैयार करो और फिर दमादम तरीके से आंसर दो। ओके, यहां पर बात की जा रही है आईआईपी के बारे में, तो जो इंडेक्स, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया उसके बारे में बात की जा रही है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये बतानी है। तो जो इंडेक्स है यहां पर वो यूज किया जाता है परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। दूसरा बोला गया आईआईपी जो है वो करेंटली कैलकुलेट करता है 2004 और 2005 बेस पर, 8 कोर सेक्टर उनका 40% आप लोगों को यहां पर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या है यहां पर आप लोगों को बताना है, ए में बोला गया 1-2, बी में बोला गया 2-3, सी में बोला गया 1-3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबो। सही आंसर पता होगा तभी फायदा है, वरना फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा यहां पर, सही आंसर यहां पर सी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, बेस ईयर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, पहले था अभी चेंज हो चुका है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर यहां पर सी हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है किसके बारे में, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्टील प्लांट सेटअप विद द हेल्प ऑफ कंट्री। तो कौन सी कंट्री की हेल्प से स्टील प्लांट सेटअप किए गए, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा मैच करने के लिए। तो राउरकेला जर्मनी की हेल्प से, दुर्गापुर यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की, जो यहाँ पर भिलाई है वो जापान की, only 1, only 2, ऑल यहाँ पर इसी के साथ में नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये डिटेल में आप लोगों के सामने है, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आप लोग रख सकते हो, स्टैटिक पोर्शन है, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि अभी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्टील के बारे में, ठीक है। तो रेफरेंस कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है यहाँ पर करेक्ट है। बोला गया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील विदाउट यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, ग्रीन स्टील के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसी के साथ में लो कार्बन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात की जा रही है, हाइड्रोजन कार्बन गैसिफिकेशन इलेक्ट्रिफिकेशन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि इवेंचुअली लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, ओनली 3 सही है, ऑल 3 सही है, या फिर यहां पर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, तो ये अगर लिखने के लिए भी आ जाए ना, तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखेगा, ठीक है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, तो यहां पर आंसर सी हो गया, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा यहां से, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2014 में। बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट रिलीज बाय द स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री के द्वारा कौन से पोल्यूटेंट रिलीज किए जाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि ये सारे पोल्यूटेंट जो यहां पर लिखे हुए हैं, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मोनो ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे जो है स्टील इंडस्ट्री जो है प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसलिए समझिएगा इसके बारे में, इसीलिए यहां पर ग्रीन स्टील के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पार्टिकुलेट मैटर ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारा माल इसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इसलिए फोकस कर रहे हैं कि ग्रीन स्टील को लाया जा सके, और तभी हम लोग 2070 में जो कार्बन एमिशन को कम करने की बात कर रहे हैं ना, वो यहीं से ही होगा, ऐसे हम लोग उसको कम करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक है, यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया आप लोगों के सामने, दोनों चीजें हो गई, अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस भी हो गई, अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। इस तरीके से लोकेशन भी आप लोगों को सारी बता दी और सारी चीजें बहुत ही डिटेल में कवर करा दी, ठीक है। बताना कैसा लगा टॉपिक, अगर कोई डाउट हो तो उसको पूछ लिया करो, और बाकी बिंदास तरीके से पढ़ाई करो, कोई भी डाउट माइंड में नहीं रखना है, ठीक है। अच्छे से एंजॉय किया करो यार, क्योंकि पढ़ना ही एक बेसिकली आप लोगों का मोटिव होना चाहिए फिलहाल के टाइम पर, बाकी तो सारी चीजें चलती रहती हैं, इस पर पूरा फोकस रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर कर आगे बढ़ना। ओके, एक न्यूज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर की गई और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर की गई, कि यूएसए के द्वारा हमारी एक कंपनी के ऊपर अभी रिसेंटली सैंक्शन लगा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो ईरान से ऑयल जो है बेसिकली इंपोर्ट कर रही थी, ठीक है, तो ईरानियन ऑयल परचेज कर रही थी यहां पर, इसकी वजह से यहां पर, तो उसके ऊपर यहां पर ये बेसिकली प्रतिबंध लगाए गए यूएसए के द्वारा। तो यहां पर यूएसए के द्वारा सैंक्शन इंपोज कर दिए गए यहां पर, किसके ऊपर, यहां पर कंपनी का नाम अगर आप लोगों को याद रखना है तो वो भी थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं। कंपनी का नाम है यहां पर तिबा बालजी, ठीक है, तिबा बेसिकली तिबालाजी, ठीक है। तो तिबालाजी जो पेट्रोलियम जो कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी प्राइवेट लिमिटेड, ईरान से प्रोडक्ट खरीद लिए, इसलिए सैंक्शन लगा दिए। रीजन क्या है? रीजन है यहां पर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में ईरान जो है वो बाहर निकल गया, ईरान तो वहीं पर था, यूएस से बाहर निकल गया था, और जो कोई भी सामान खरीदता है तो उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है यूएस से, इसलिए यहां पर सैंक्शन लगाता है, ऐसी हरकतें यहां पर करता रहता है। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई,
पर जो अभी मैं डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा आप लोगों से ईरान न्यूक्लियर डील, ये आप लोग जरूर याद रखेगा। तो ईरान न्यूक्लियर डील डिस्कस करूंगा, जिस किसी ने पहले सुन रखी है वो उसको स्किप कर सकता है क्योंकि रिविजन हो जाएगा अगर चाहे तो आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार न्यूज में रहता है और क्वेश्चन भी आप लोगों के बनते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग डिटेल में न्यूज एनालिसिस देखेंगे, तो एक एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना उसको, ठीक है। इस माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखना है, यूएसए ये हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग रशिया का साथ दे रहे हैं, इसलिए वो गिर जा रहा है, तो बिना पैंदी का लोटा है मैंने बताया था, और उसकी पैंदी खराब होती है आप लोगों यहां पर नजर भी आ रही है, ठीक है। तो वरना रिलेशन उसको सुधारने थे पर लेकिन सुधार नहीं रहा है और बिगाड़े जा रहे हैं, अब देखते हैं ये कहां तक चलती है। पर फिलहाल न्यूक्लियर डील के बारे में, जो ईरान न्यूक्लियर डील है जिसको JCPOA बोलते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपनी पेटी बांध लीजिए, बेल्ट, काफी कुछ मजा आप लोगों का आने वाला है। बात करेंगे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए आर्टिकल हो जाता है जीएस पेपर 2 के हिसाब से, हमारे पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं और कौन कौन से एग्रीमेंट देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल भाषा में इसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बजट है ना, बजट बोल दे तो आप लोग नॉर्मल भाषा में बजट बोल दिया, ठीक है, पर लेकिन रियलिटी में लिखा हुआ क्या है उसके बारे में संविधान के अंदर, आप लोगों को बोलते हैं उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ऐसे ही इसका नॉर्मल नाम क्या हो गया, ईरान न्यूक्लियर डील बोल दिया कि ईरान के साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड या फिर न्यूक्लियर मटेरियल से रिलेटेड डील साइन की गई, और उसका असली नाम क्या है, साइंटिफिक नेम जो यहां पर बोला जाता है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि एक तरीके से एक ऐसा प्लान बनाना जो कि ज्वाइंट हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो, यानी कि सब मिलकर काम करें और उसका सॉल्यूशन यहां पर निकाला जाए, चहुमुखी विकास किया जाए, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे ये, आप लोगों से पॉलिटी में इस तरीके क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं और इकोनॉमी का तो मिक्स क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। जब मैंने बोला यहाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको नॉर्मली बजट बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, संविधान के, क्या किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, अगर हाँ तो बताइए कहाँ लिखा हुआ है, अगर ना तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है, तो बताइए, देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा ईरान, जिससे कि आप लोग आर्टिकल को भी अच्छे से समझ पाए, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप लोगों को ईरान की लोकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है इस पर्टिकुलर रीजन में, और जब आप लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर मैप बेस्ड बन जाते हैं कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला ओरसन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, तो ये कैस्पियन सी हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा सा आप लोग आएंगे ईरान के, तो आप लोगों को पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा और इधर आप लोग यहाँ पर आएंगे, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो और भी कई सारे एरिया है, जैसे गल्फ ऑफ ओमन हो गया, ये जो टिप आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये एक पर्टिकुलर, इसको नाम क्या बोला जाता है इस एरिया को, इसको काफी फेमस एरिया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को जो मिक्स करने वाला मिलाने वाला एरिया है उसको क्या बोलते हैं, ये आप लोग बताइए, बाकी मैं आप लोगों को आगे आर्टिकल में चलेंगे तो बताएंगे, ठीक है। ईरान जो है इसको आप लोग ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर तो इधर पाकिस्तान टच करता है, इधर अफगानिस्तान, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, यहाँ फिर ये सेंट्रल एशियन कंट्री भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, तुर्की हो गया और इराक हो गया, और नीचे हो गया पर्शियन गल्फ, यानी कि कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में हो गया ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान। ईरान की जो करेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है ईरानियन रियाल, और ये जो एरिया है जिसमें यहाँ पर ये ईरान पड़ता है इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट, तो कई बार आप लोगों ने मिडिल ईस्ट वाला एरिया, तो ये है मिडिल ईस्ट वाला एरिया, तो यहां पर ये डायरेक्ट आप लोगों से कई बार इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाएगा, और बाकी और आंसर राइटिंग में क्या क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा ही, जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और इसी के साथ में जो भी आंसर देता है एक दूसरे का आंसर रिव्यू जरूर किया करो, ठीक है। बात की जा रही है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एंड ऑल्सो डिस्कस द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, तो ये जो सेकंड वाला पार्ट होता है ना ये एग्जाम में आप लोगों के काम आएगा हमेशा, क्योंकि अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल का कोई इशू है तो हमेशा ये पूछेंगे कि इंडिया के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इंडिया के रेफरेंस में देखा जाएगा, वरना दुनिया में क्या क्या चल रहा है सारी चीजों पे थोड़ी ना हम लोग ध्यान रखेंगे, तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, हर एक डायमेंशन से अगर बात करें जो भी इंपैक्ट पड़ेगा तो उसको हम लोग समझते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग से डिस्कस करूंगा, इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में बातें करेंगे जिससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो पूरा मुद्दा है यहां पर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में, तो ये पूरा मुद्दा किसके ऊपर घूमता है, ईरान न्यूक्लियर डील, तो पहले ये न्यूक्लियर क्या है और क्या क्या चीजें होती है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ईरान के बारे में जानेंगे और कैसे कैसे मुद्दा है यहां पर उसके हम लोग समझेंगे। देखिए हुआ क्या है यहां पर, नॉर्मली अगर आप लोग समझोगे जैसे खेतों में से अगर बातें हम लोग करें, खेत में से गन्ना निकाल कर लेकर आते हैं, ठीक है, फिर उसको फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, तो उसको हम लोग पीस कर उसमें से क्या निकालते हैं, उसमें से हम लोग रस निकाल लेते हैं, और फिर उसको आगे लेकर जाकर कोई चीनी बनाता है, उससे कोई गुड़ बनाता है, कोई शक्कर बनाता है, अलग अलग चीजें मटेरियल, और कोई रस निकालकर पीता है, और कोई मेरे जैसा है तो क्या करता है गन्ने का रस निकालकर उसकी मतलब एक तरीके से क्या खीर भी बना लेता है, ठीक है, किस किसने खाई है गन्ने के रस की खीर बताइए सर, तो उसकी खीर भी काफी स्वादिष्ट लगती है, शायद आप लोगों ने खाई होगी, खाई आप लोगों ने, नहीं खाई है तो बताना किस दिन,
मैं पार्टी रखूंगा, सबको बुलाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर यूरेनियम निकाला जाता है, यूरेनियम की माइनिंग की जाती है। तो माइनिंग की जाती है तो कुछ ऐसा मेटेरियल लिखता है और फिर इसकी मिलिंग यानी कि इसको पीसा जाता है, पीसने के बाद में ऐसा हो जाता है और फिर इसको कंजर्व करके रखा जाता है। तो ये जो यहां पर यूरेनियम है ये आप लोगों को इस फॉर्म में देखने को मिलेगा नॉर्मली, जो येलोइश मटेरियल रहता है। ये जो येलोइश मटेरियल रहता है, अगर नॉर्मल भाषा में आप लोग इसको देखो तो जैसे आप लोगों ने देखा नहीं है घरों में जो दूध निकालने की जो रई होती है, जब उसको घुमाते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो घी है वो बिल्कुल सेंटर में जम जाता है और जो दूध है वो साइड में निकल जाता है। नहीं, एक तरीके से दूध और घी जो एक तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि छाछ और जो घी है वो अलग हो गया दूध में से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझ लोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, तो ये दो यूरेनियम के आप लोग यहां पर बेसिकली दो कंपोनेंट यहां पर यूरेनियम के देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात करने वाला हूं। यहां पर ये चलता कैसे है, देखिए बेसिकली होता क्या है यहां पर, ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम इसमें फीड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड, इसका नाम याद रखिएगा, इंपोर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो थोड़ा सा आगे चलकर। तो यहां से इसको इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो फिर क्या रहता है, ये जो हैवियर U238 रहता है, ठीक है, तो सेपरेट कर दिया जाता है लाइटर एक तरीके से U235। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि दोनों को अलग हो गया, तो एक तरीके से यहां पर जो बात करेंगे तो जैसे कि यहां पर U238 हो गया, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं ये क्या हो गया, ये बेसिकली मक्खन हो गया, इनके जो घी नहीं होता है वो जो बीच में बैठ जाता है, तो ये क्या हो गया, ये नीचे बैठ गया आकर, ठीक है। तो इसको अलग से रिमूव कर गया और बाकी का जो बचा हुआ U235 है इसको अलग निकाल लिया यहां पर, और ये है बेसिकली टॉप जो कि यहां पर ये मटेरियल है इसको कलेक्ट कर लिया अलग से। और नॉर्मली जब यहां पर कोई बॉम्ब वगैरह बनाया जाता है तो यहां पर इसी का इस हम लोग यूज करते हैं। इसमें अगर आप लोग बात करेंगे, अगर बात करें तो ये एक आइसोटोप होते हैं, ठीक है। आइसोटोप नॉर्मली आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, आइसोटोप और जो आइसोबार, दोनों में आप लोगों को डिफरेंस क्या नजर आएगा। आइसोटोप नॉर्मली वो होता है जिसमें एटोमिक नंबर सेम होते हैं, और आइसोबार जिसमें वेट आप लोगों को सेम नजर आएगा, एटोमिक वेट। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये जनरल साइंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं एनरिचमेंट के बारे में। तो एनरिचमेंट देखो, ये तो हम लोगों ने अलग अलग निकाला, तो इसका एनरिचमेंट कैसे होता है, तो बड़े बड़े इस तरीके के बहुत सारे स्टील के ऐसे टेम्बर टाइप में लगाए जाते हैं और इनमें इसको एनरिच किया जाता है, और पूरा एनरिच का जो प्रोसीजर है ये मैं आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे ये अभी इसमें डाला गया, जिस तरीके से मैंने बताया ना अभी यहां पर, ये पूरा प्रोसीजर जो यहां पर मैंने आप लोगों को समझाया, पूरा एनरिचमेंट का प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनरिच का क्या होता है, मतलब अगर बोला जाए आप लोगों से, एनरिच का मतलब है किसी चीज को इंप्रूव करना और अच्छे लेवल पर उसको लेकर जाना। तो इसका एनरिचमेंट क्या होता है, तो जैसे जैसे ये एनरिचमेंट होता है और यहां से आप लोगों को ये मिलता है यहां पर जो मटेरियल जिसको U235 यूरेनियम आप लोग बोलते हैं, तो फिर इसको आप लोग एक तो सिविल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे बड़े बड़े आप लोगों को देखा ना, बड़े बड़े बिजली बनाने के षड्यंत्र लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं बिजली बनाने के। तो यहां पर यूरेनियम का जो एनरिचमेंट होता है, जिसको घुमाया जाता है, प्योर यूरेनियम बनाया जाता है, वो 3 से 5% की जरूरत होती है ओनली। पर लेकिन अगर इससे ज्यादा एनरिच करेंगे तो फिर आप लोग बॉम्ब बना लोगे, तो ये जो बॉम्ब बन जाएगा इससे ज्यादा एनरिच करने के बाद में, और ये जो बॉम्ब बनेगा इसमें एनरिचमेंट आप लोगों को लगभग 90% देखने को मिलेगा। यानी कि बिजली बनाने के लिए आप लोगों को ओनली 3 से 5 के बीच में आप लोगों को जरूरत है, और जो निकल कर आता है यहां पर जो रॉ मटेरियल रहता है वो नहीं है, मैंने बोला खेतों से निकाल कर लेकर आते हैं, तो जो खेतों से निकल कर आते हैं ये बहुत ही कम एनरिच रहता है। पर लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसको मतलब एक तरीके से नहीं, आप लोग रॉ मटेरियल निकाल लेते हैं उसमें से फिर माल निकालना है बाहर, वो वाला मुद्दा है। तो जब बम बना जाएगा तो ये 90% एनरिचमेंट देखने को मिलेगा, और ये बम फिर ऐसा आप लोगों को नजर आएगा फटता हुआ। इसका बम का चेहरा देखकर भी मुझे ऐसा लगा किम जोंग उनका फेस है, ऐसी मुझे फीलिंग आई, क्योंकि जब भी बम के बारे में बात करते हैं आप लोगों ने देखा होगा उसकी हरकतें कि मैं बम फोड़ दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मुझे एकदम इसका चेहरा याद आ गया। अभी समझते हैं मुद्दा क्या है, ये तो एनरिचमेंट का पूरा प्रोसीजर आप लोगों ने समझ लिया कैसे कैसे पूरा एनरिच किया जाता है। अब ये पूरा डील क्या है, तो इसी एनरिचमेंट के इर्द गिर्द आप लोगों को घूमती ही नजर आएगी कि एनरिचमेंट यूएसए कहता है कि ईरान को ये करना है, पर ईरान यहां पर इसको करने के लिए तैयार हो जाता है बॉम्ब बनाने के लिए, और यूएसए चाहता नहीं है कि यहां पर बॉम्ब बनाया जाए इस तरीके से। तो इसके चलते ये एक ऐसी डील साइन की गई काफी सीक्रेट तरीके से यहां पर, जो बराक ओबामा थे और हसन रूहानी थे, ये दो यहां पर लीडर थे, तो दोनों के बीच में याराना हुआ। बराक ओबामा ने बोला यार नंबर तो लाओ हसन रूहानी का, बहुत दिन हो गए बात करनी है, तो हसन रूहानी का नंबर मिला, इसने बोला और भाई क्या हाल है, इसने बोला यार हाल तो ठीक ठाक है, तुम सुनाओ क्या चल रहा है। तो हसन रूहानी भाई साहब बोलते हैं कि यार देखो कुछ सॉल्यूशन किया जा सकता है क्या, बराक ओबामा बोलते हैं यार मैं भी वही सोच रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। तो दोनों ने मिलकर बात की, तो बात करने के बाद में पता चला कि दोनों का सेम ही टाइप की थिंकिंग प्रोसीजर है, तो दोनों एक ही काम करना चाहते हैं। ईरान भी चाहता है कि वो यहां पर अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाए, ईरान भी चाहता है कि यहां पर लोगों को जॉब एक तरीके से जॉब मिले, ईरान भी चाहता है कि यहां पर इन्फ्लेशन जो है वो काफी कम हो जाए, ईरान भी चाहता है इसके ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए वो कम हो जाए, और यूएसए चाहता है कि ये बम न बनाए। तो दोनों के बीच में डील साइन किए गए यहां पर काफी सीक्रेट तरीके से, ये डील को आगे लेकर चले। तो दोनों मिले, फिर चलो यार पार्टी करते हैं मिलते हैं, तो दोनों ने डील साइन कर ली। पर लेकिन जब यहां पर इनका डील का ये प्रोसीजर चल रहा था, उसी टाइम पर कहीं और आग लग रही थी, और वो आग लग रही थी बेसिकली कहां पर,
ये है डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप के दिल में आग लग रही थी, उसको ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी। उसको पसंद न आने के बेसिकली कई सारे रीजन आप लोग बोल सकते हैं। एक तो इसराइल के साथ में जो रिलेशन है यहाँ पर यूएसए के, वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, तो उसके चलते यहाँ पर खासकर डोनाल्ड ट्रंप है वो बिजनेसमैन प्रवृत्ति के आदमी है और इसराइल के काफी सारे ह्यूज इन्वेस्टमेंट यूएसए के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो ओबामा की पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी और जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी है, तो इनका भी एक अलग ही रवैया रहता है। मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो थोड़ा लिबरल रवैया रखती है ईरान की तरफ को, और जो ओबामा की पार्टी जो यहाँ पर ये बेसिकली जो लिबरल पार्टी है यहाँ पर ये इसकी थोड़ा सा मतलब रिपब्लिकन पार्टी है वो थोड़ा सा अलग रवैया रखती है इनकी तरफ को। तो डील साइन किए गए जैसे तैसे यहाँ पर लेकर, तो उसी के साथ में यहाँ पर फिर क्या हुआ, ओबामा साहब जो है यहाँ पर इनकी पार्टी हार गई, इनकी पार्टी हारी तो फिर पावर में आ गए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब। सबसे पहले आते इन्होंने बोला कि पहले इसको साइड में करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आते सबसे पहले ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गए, तो ये काफी ज्यादा झटका लगा ईरान को, यार ये क्या हो गया। और सबसे बड़ा झटका उनको लगा जो शादी में गए हुए थे, बेसिकली शादी में गए थे मतलब कि जब ये डील साइन हुई तो अकेला ईरान तो यहाँ पर था नहीं और भी कई सारे यार दोस्त रिश्तेदार थे, तो वो जो यार दोस्त रिश्तेदार थे उनको काफी बड़ा झटका लगा। अब ये यार दोस्त रिश्तेदार कौन कौन थे, तो ये थे P5+1, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट और इसी के साथ में यूरोपियन यूनियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग EU बोलते हैं। तो शादी में ये भी गए थे 2013 से लेकर 2015 तक, काफी लंबा एक प्रोसीजर चला, पहले देखने गए दुल्हन को, उसके बाद में चीजें आगे बढ़ी और फिर शादी करा दी। पर शादी कराने के बाद में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहां से बाहर निकल गए। शादी कराने में बिचौलिया था कौन, वो था ओमन, ओमन ने इनकी शादी कराई। और यहां पर जब ओबामा और जो बेसिकली ईरान के जो यहां पर हसन रूहानी साहब थे मिले, तो इसके चलते क्या था, बहुत ही लंबे समय से एक मिसट्रस्ट चला हुआ रहा था, तो मिसट्रस्ट भी इनके द्वारा दूर किया गया 1979 में। याद रखिएगा ईरान यहां पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है यहाँ पर, इसमें यह बोल जाएगा कि अब भाई साहब ईरान जो है वो क्या करेगा, अपना जो भी मटेरियल है उसको यूज करेगा ओनली बिजली बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि बम बनाने के लिए यूज नहीं करेगा, बस बिजली बनाने के लिए यूज करेगा। ईरान ने बोला यार वैसे मुझे बम बना के करना ही क्या है, तुम यार ये सैंक्शन वैंक्शन हटाओ मेरे ऊपर से, हम अपना बिजली बनाएंगे और अपनी जनता को फायदा पहुंचाएंगे और अपना देश के अंदर अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो गई, तो इसके चलते यहाँ पर एनरिच का प्रोग्राम इन्होंने वो किया, तो फिर ये बोले कि ठीक है हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन उठाएंगे। तो ये बातें चलती रही और आगे बढ़ती रही, तो उसके चलते चीजें आगे बढ़ती रही काफी लार्ज स्केल पर। पर लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, जैसे मैंने बताया अभी ये डील यहाँ पर पहुंची तो, पर लेकिन प्रेसिडेंट जो बराक ओबामा है इस डील को यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी यानी कि जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी उसकी पार्टी से काफी क्रिटिसिज्म यहाँ पर फेस करना पड़ा। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर डील थी उसको इंप्लीमेंट तो कर दिया उन्होंने, पर लेकिन उसको रेटिफाई नहीं कर पाए, यानी कि पार्लियामेंट से पास कराना था ना वो नहीं करा पाए। पर फिर भी प्रेसिडेंट है तो हाथ में पावर तो थी, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर इन्होंने जो भी सैंक्शन लगा रखे थे ईरान पर वो सैंक्शन हटा दिए। तो इन्होंने क्या काम किया, डील वैसे तो पास करा नहीं पाए पार्लियामेंट से, पर लेकिन जो सैंक्शन थे वो सैंक्शन इन्होंने यहां से हटा दिए, एक तरीके से उनको शांत कर दिया। तो ये बात जो थी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को पसंद नहीं आई और इन्होंने इसको पूरा इलेक्शन का मुद्दा भी बनाया, जिसके चलते इनको काफी फायदा भी हुआ इसका। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन गए और इन्होंने बोला ये काफी हॉरेबल और वन साइडेड डील है और मैं इसमें से बाहर निकलूंगा, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो यहां पर इस डील को बोलने लगे कि ये बिल्कुल अखंड गुनहगार डील है और मैं इस डील का पार्ट नहीं बनूंगा, तो वो इससे तुरंत यहां पर बाहर निकल गए। तो जैसे ही यहां पर बाहर निकले, अब भाई साहब जो शादी में गए हुए थे यूरोपियन यूनियन और जो उसके अलाइव मेंबर शादी में नहीं गए थे, यानी फिर शादी में उनको लगा यार ये तो शादी मतलब टूट गई, ये तो मजा नहीं आया यार, हम तो मतलब शादी में गए थे। हालांकि आज के डेट में अलग है, वो आज के डेट में दुनिया खुश होती है अगर कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो यहां पर इसके चलते इनके द्वारा ये बोला गया यूएसए के द्वारा कि यार ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि डील जो है वो साइन की गई थी सबके साथ मिलकर और तुम अकेले बाहर कैसे निकल गए, मतलब जो दूसरी कंट्री बोल रही है यूएसए को, ठीक है, अकेले बाहर कैसे निकल गए। और इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी देखरेख में काम होता अच्छे से कि हाँ बिल्कुल सही काम चल रहा है सारा। यानी कहने का मतलब यहां पर ये है कि जो यूएसए के द्वारा सैंक्शन लगा दिए गए यहां पर ईरान के ऊपर और अपने आप ही आनन फानन में बाहर निकल गया, तो जो दूसरी कंट्री थी वो भी गुस्सा हो गए, यार ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब सामने वाला जो है वो सारे काम कर रहा है ईरान अच्छे से और तुम डील से बाहर निकल गए। तो इसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिली। तो यूएसए ने क्या किया, फिर से सैंक्शन लगा दिए ईरान के बैंक के ऊपर सारे, यानी कि ईरान के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थे वो रोक दिए। तो ईरान भाई साहब सदमे में आ गया। तो ईरान गया इन कंट्री के पास में, यार देखो तुमने डील साइन करवाई थी, उन्हें कहते हैं जब शादी टूटने लगते तो बिचौलियों को बुलाते हैं, तो बिचौलियों के पास में गया कि बताओ यार अब क्या करना है। तो ये E3 कंट्री जो है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और यूके आता है, इन्होंने बोला कि तेरे लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे। तो ये जो सोल्यूशन किया गया वो सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जाता है कई बार, इसको बोलते हैं यहां पर INSTEX, ठीक है। तो INSTEX, सॉरी यार गला पकड़ने लगता है कई बार, तो यहां पर INSTEX है यहां पर, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया कि ठीक है यार वो तुम्हारे बैंक पर अगर यहां पर एक तरीके से सैंक्शन लगा रहा है और बोल रहा है हमारा डॉलर आप लोगों को यूज नहीं करना है, और अगर कोई और भी यहां पर अगर कोशिश करेगा ईरान के साथ में रिलेशन बना उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाएगा अगर कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेगा।
तो ये इससे दादागिरी चलाता है ऐसी जगह, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ताकतवर है तो कुछ भी करेगा, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो E3 कंट्री है उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, सॉल्यूशन तो हर एक चीज का है, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, जिसको INSTX याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि इनके ट्रेड को सपोर्ट करेगा और बिना इनका बैंकिंग सिस्टम को यूज किए, यानी कि ना पैसा कहीं जाएगा ना बैंकिंग सिस्टम यूज होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा समझ लेते हैं। जैसे ईरान जो है वो यूरोपियन जो कंपनीज है उनको अपना तेल या फिर जो भी सामान है उसके पास में वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ये कंपनी जो है यहां पर जिनके पास में यहां पर ये सामान जाएगा, ये क्या करेंगे, यहां पर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी बैंक है, ठीक है, तो वहां पर उसमें इनका एक्सचेंज चलेगा, वहां पर पैसा जाएगा और वहां से एक तरीके से क्या करेंगे, मान लीजिए इन्होंने क्या किया, जो यहां पर तेल गया तो तेल के पैसे तो देने इनको, तो तेल के पैसे न देकर ये क्या करेंगे, इसके बदले में यहां पर ये बेसिकली इंपोर्ट करेंगे यहां पर मेडिसिन वगैरह या फिर जो भी गुड्स वगैरह है, इनके पैसे में काम ही खत्म हो गया एक तरीके से। ये INSTX जो है आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम मतलब बार्टर सिस्टम वही सिस्टम है कि एक तरीके से एक इंसान के पास में है आलू और दूसरे के पास में है टमाटर या फिर एक के पास में है छोले भी, ठीक है, तो तीनों मिल जाओ, आलू टमाटर छोले बना लो भाई साहब जो भी सुटेबल लगे आप लोगों को और खाओ मजे में। तो कहने का मतलब यह कि एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेना, करेंसी का यूज ना करना, अपनी जो कमोडिटी है उसी को करेंसी बना देना कि मेरे पास में यह तुम ये ले लो और मुझे वो दे दो, तो वो सिस्टम यहां पर इनके द्वारा यूज करने की कोशिश की गई। पर लेकिन यार ऐसा सिस्टम यूज करते हैं ना उसकी लिमिटेशन होती है, ठीक है, क्योंकि पता चला आप लोगों के पास में आलू है, सामने वाले को तो टमाटर नहीं चाहिए, ठीक है, उसको तो पराठे बनाने हैं उन आलू के, तो वो आप लोगों के टमाटर का क्या करेगा, तो ये दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। तो इससे चलते यहां पर ऐसा ही कुछ फंडा देखने को मिला E3 की जो EU की जो यहां पर ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम था ये फेल होता हुआ नजर आया और इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली तेहरान को। अब यहां पर इसको यार ये लगा यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है और ये सारे लपेट के बैठ गए मुझे, यानी कि एक तरीके से यहां पर यूरोपियन यूनियन देखता रहा दूर से और यहां पर पहले बराक ओबामा थे फिर डोनाल्ड ट्रंप थे अब जो बाइडन भी यहां पर आ गए, तो यहां पर ईरान की खस्ता ही हालत रही। अच्छा ईरान के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेजिडेंट है इनका नाम पता है आप लोगों को, चलिए बताइए देखता हूं किस चीज को पता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ईरान ने क्या किया, ईरान बोला कि ठीक है तुम अगर ये हरकतें कर रहे हो तो भाई साहब अब हम लोग अपने बिजली तो बनाएंगे और इससे बम भी बनाएंगे, अब तुमको खाड़ना है जो खाड़ लेना, हम इस पे बम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने बम की तरफ को बढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो यहां पर फिर ईरान के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना था कि जितने सैंक्शन लगा दो इतने सैंक्शन लगा दो कि सामने वाला टूट जाए, तो ये हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसलिए दुनिया भर के सैंक्शन जो थे वो यहां पर ईरान के ऊपर इंपोज कर दिए ताकि ईरान को जो है वो ब्रेक डाउन किया जा सके, ऐसी हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। और यही सारी चीजें देखते हुए ईरान भी एक तरीके से अपने पर आ गया, कहते सामने वाला अड़ जाए तो जब इंसान जब घूम जाता है सर कि यार इसने तो हद ही कर दी, बदतमीजी किया जा रहा है, तो फिर सामने वाला भी आकर अड़ जाता है कि अब देखता हूं तू क्या करेगा। तो ईरान भी अड़ गया ईरान भी, तो तब से चल के फिर यहां पर जब फिर से जब ये अड़े रहे चारों साल तक, यानी कि 2016 से लेके 2020 तक यहां पर जो अभी डोनाल्ड ट्रंप एंजॉय करके गए प्रेसिडेंट की कुर्सी, तो फिर यहां पर जो बाइडन आ गए। अब जो बाइडन जो है वो इस डील को थोड़ा आगे लेकर चलना चाहते हैं, पर लेकिन इनका बिल्कुल ऐसा मुद्दा चल रहा है जैसे इनसे कोई स्टार्टिंग में मिलता है नहीं कोई रिश्ता बनाना है किसी को एक दूसरे के साथ में कि हाँ चलो ठीक है लड़का लड़की बात कर लें, तो दोनों खड़े हैं लड़का लड़की आपस में, लड़की सोच रही है पहले लड़का कुछ बोलेगा और लड़का सोच रहा है पहले लड़की कुछ बोलेगी, दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। मतलब ईरान चाहता है कि इसके ऊपर से पहले सैंक्शन हट जाए तो ये पहले यहां पर इसको जो एनरिचमेंट करना स्टार्ट किया तब इसको कम करे, यूएसए चाहता है पहले ये एनरिचमेंट करना कम कर दे तो फिर मैं इसके ऊपर से सैंक्शन हटाऊं। अरे भाई साहब दोनों मिलकर बैठ जाओ ना, क्या फालतू की बातें कर रहे हो यार, बच्चों वाली बातें, अरे दोनों मिलकर बोलो कि एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। तो ये तो पूरी राम कहानी मैंने इनकी बता दी जो इनकी मियां बीवी की लड़ाई चल रही है, तो ये लड़ाई चलती रहती है जब तक यहां पर कोर्ट में ना पहुंचे सर फोड़कर, तब तक आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये हरकतें हैं। आगे बात करता हूं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है। यार हमारे ऊपर इसका काफी ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है, अगर चीजें यहां पर सुधर जाती हैं तो सबसे बड़ा बात तो है कि रीजनल कनेक्टिविटी बन जाएगी। मतलब क्या है, ईरान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, खासकर अगर बात करें बंदर आबास पोर्ट है, याद रखिएगा इसके बारे में, जो बेसिकली यहां पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में कनेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ठीक है। एक है यहां पर चाबहार पोर्ट, तो यहां पर ये पोर्ट जो है इंडिया अच्छे से यूज कर पाएगा और यूएसए के सैंक्शन से यहां पर बच पाएगा, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा यहां पर एक और एरिया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट, यहां पर ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पर इंडिया कोशिश करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्टिविटी बनाई जाए इसके थ्रू, खासकर जो सेंट्रल एशियन कंट्री है उनके साथ में और यूरोपियन से होता हुआ यहां तक ये कनेक्टिविटी बनाई जाए, तो ये काफी स्टैंडर्ड रूट हो जाता है, तो आने जाने का व्यापार बढ़ेगा, तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। चाबहार पोर्ट के थ्रू होता हुआ इंडिया अफगानिस्तान में भी एंट्री करता है रजनीकांत के तरीके से पाकिस्तान को यहां पर ओवरलैप करके, तो ये भी अच्छा है तरीका कि ऑल्टरनेटिव रूट बन गया। तो ये तभी होता है जब यहां पर यूएसए सैंक्शन लगाए, क्यों, क्योंकि एक तो S-400 पर यूएसए सैंक्शन लगाता है और दूसरा यहां पर यूएसए का सैंक्शन आप लोगों को इस पर भी देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं बेसिकली कार्ड्स, ठीक है।
यानी कि यहां पर अगर ईरान के साथ में हम लोग ज्यादा व्यापार करते हैं तो यहां पर यूएसए की जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई यूएसए का दोस्त किसी और के साथ में यहां पर व्यापार करता है तो ये क्या करेगा, यूएसए अपने दोस्त के ऊपर सैंक्शन लगा देगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ में रहता है तो कहता है नहीं हम दोनों ही दोस्त रहेंगे तो किसी और के साथ में दोस्ती मत करना, तो हरकतें हैं। तो इससे इंडिया को दिक्कत देखने को मिलती है। तो इंडिया ने अपना काफी लार्ज स्केल पर जैसे ऑयल वगैरह खरीदा करता था वो ईरान से कम भी कर दिया, उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। तो सारी हरेक कोई ना कोई दिक्कत किसी ना किसी चीज की देखने को मिलती है। तो अब यहां पर अगर इनके बीच में रिलेशन बढ़ते हैं और ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ती है तो सस्ता तेल मिल जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी हमारे देश की अच्छी रहेगी, तो ये अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, हमारे देश में 85% हम लोग लगभग आज के में क्रूड ऑयल खरीदते हैं। क्या आप लोगों को पता है नेचुरल गैस जो है वो बाहर से कितना खरीद कर लेकर आते हैं? ठीक है, बताइए। अभी दो दिन पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तैयारी ऐसी करनी है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सबकी हो जाए, यानी कि बस आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी करके अपना कर रहे हैं बस काम, तो इस तरीके से, और कोई पूछे तो उसको पढ़ा भी सको। अब किसी को पढ़ा दोगे ना, तो यहाँ पर अलग अलग एरिया है जहां पर ये ईरान के जो यहाँ पर ना ये प्लांट चलते हैं, कहां से यूरेनियम निकाल के लेकर आते हैं, कहां पर ये लाकर इसको एनरिच करते हैं, तो सारी फैसिलिटी यहां पर दे रखी है। तो ये ईरान का एक मैप भी मैंने डाल दिया इसलिए ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन देखने को ना मिले। तो बेसिक चीजें हैं सारी, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए तभी आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, है ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना इसके बारे में, सारे डिटेल मैंने बता दिया आप लोग को काफी अच्छे से। तो इस एक आर्टिकल के अंदर कम से कम 3 आर्टिकल इंक्लूडेड थे। एक रिपोर्ट है गरीबी के बारे में जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, डिटेल में डिस्कस करूंगा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को समझनी है। एक रिपोर्ट का नाम है पॉवर्टी शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई है। तो पहला इंपॉर्टेंट तो चीजें याद रखिएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के बारे में बात की जा रही है कि 2.5% ये 2.15 डॉलर पर पर्सन पर डे यहां पर बढ़ा दिया गया है। पहले गरीबी जो थी वो 1.90 बेसिकली डॉलर माना जाता था, यानी कि इतना कम से कम यहां पर अब मिनिमम यहां पर पॉवर्टी का क्राइटेरिया रख दिया गया कि इससे ऊपर जो है उसकी जिंदगी ठीक है, इससे नीचे जिंदगी ठीक नहीं है इंसान की। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर बेस रखा गया है 2017 जिसमें परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कितनी दम है चीजों को खरीदने की उसके बेस पर यहां पर चीजें बढ़ी है। पर लेकिन COVID-19 यानी कि पेंडेमिक की वजह से ये बोला गया है कि जो गरीबी पहले दुनिया में 8.4% थी वो अब 9.3% हो गई है 2020 में। तो ये काफी खतरनाक चीज निकल कर आई COVID-19, इसी के साथ में यूक्रेन और जो भी यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा था पहले से वो देखने को मिल रहा है। तो जो यहां पर टारगेट था 2030 तक का कि गरीबी को खत्म कर देंगे वो तो ना होने वाला है यार अब। ठीक है, हमारे देश में क्या गरीबी घटती जा रही है, बड़ा ही शानदार था। हम लोग अगर बात करें 1981 से हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर हम लोगों ने काम किया, गरीबी घटती हुई नजर आई और दुनिया में भी कुछ ऐसी आप लोगों को गरीबी जो है वो घटती हुई नजर आ रही है। तो गरीबी अगर देखोगे आप लोग कुछ इस पैटर्न में आप लोगों को यहां पर घटती हुई नजर आएगी। ठीक है, कि कैसे कैसे, क्योंकि लोग अमीर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ मिल रहा है सबको। पर अभी अपने देश के बारे में बात करें तो हमारे देश में यहां पर 2019-20 में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 10% आप लोगों को देखने को मिलेगा गरीबी रेखा के नीचे है। 5.6 करोड़ लोग आज की डेट में गरीबी रेखा के नीचे खिसक गए हैं 2020 के अंदर डेटा की बात करें। 12% पॉपुलेशन जो गरीब है वो गांव में रहती है और 6% गरीब पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रहती है। यानी कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट देकर पूछने लगे कि गांव में जो गरीब लोग रहते हैं वो शहरों के आधे हैं तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी, याद रखिएगा। इसी के साथ में यहां पर डिक्लाइन इन द पॉवर्टी, अगर बात करें कि पॉवर्टी में डिक्लाइन हुआ है इंडिया सिंस 2011, तो यहां पर जी हां बिल्कुल यहां पर डिक्लाइन हुआ है। पर लेकिन फिलहाल COVID-19 के टाइम पर आकर चीजें बढ़ गई हैं। रिचेस्ट जो लोग थे COVID-19 में, जो अमीर लोग थे, वो जल्दी रिकवर कर गए, पर लेकिन ग्लोबल इनइक्वलिटी जो है वो आप लोगों को बढ़ती ही नजर आएगी। क्यों? क्योंकि अमीर तो रिकवर कर गए पर गरीब जो है वो COVID-19 की मार से रिकवर नहीं करे हैं। कौन बोल रहा है? ये रिपोर्ट बोल रही है। अभी भी जैसे आप लोग बारिश देखते हैं बारिश के मौसम में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो रही है, चलो कपड़े पहनेंगे। सोचो एक बार उनके बारे में जिनके कच्चे घर होते हैं, जिनके घरों पे छप्पर होता है, क्योंकि ये जो छप्पर वाली चीजें हैं ना, ये मैंने काफी कभी करीब से देखी है। हमारे जो घेर हुआ करता था बेसिकली, जहां पर जानवर थे तो उनके ऊपर छप्पर डाला करते थे, तो ये छप्पर जो है बेसिकली काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कई बार कहीं से भी चूने लगता है। ठीक है, और खासकर ये जो मिट्टी की दीवारें होती हैं, ये भी काफी करीब से देखी है, ये जब गिरने लगती हैं तो इंसान के पसीने छूटने लगते हैं। तो अमीरों के लिए जो इंजॉयमेंट है, गरीबों के लिए वही कई बार जो है वो प्रॉब्लम बन जाती है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। चलिए जो भी है आगे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है इंटरनेशनल रिलेशन की, आप लोग बात कर सकते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं अपने रिलेशन को सुधारने के लिए। तो इंडो पैसिफिक रीजन में यहां पर अच्छे से काम करने की बात की जा रही है, और यहां पर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। फिलहाल इंडिया का फोकस क्या है, तो वो है अर्जुन वाली बात, यानी कि
एक तरीके से चिड़िया की आंख पर निशाना, मतलब इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं, एक तरीके से दूसरे अच्छे रिलेशन बना रहे हैं, और क्वाड प्लस ग्रुप के ऊपर ज्यादा फोकस है। क्वाड प्लस मतलब क्वाड के साथ में प्लस ऐड कर देना, तो ये बात की जा रही है। क्वाड प्लस में कौन कौन आ जाता है, कहीं भी अगर आप लोग जाओगे, जैसे यूएसए के साथ में पूंछ बनकर कैनेडा जाता है, ठीक है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ में पूंछ बनकर हमेशा न्यूजीलैंड जाता है, पर लेकिन क्वाड में यूएसए आ गया और ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो पूंछ नहीं आई दोनों की, तो पूंछ को ऐड करने के लिए यहां क्या किया जा रहा है, वो न्यूजीलैंड लाया जा रहा है और कैनेडा लाया जा रहा है, ठीक है। बाकी साउथ कोरिया, वियतनाम, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, और कैनेडा मैंने बोल ही दिया, ठीक है। न्यूजीलैंड काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर इंडिया के लिए। बात करें पैसिफिक आइलैंड के अंदर भी, अगर बात पैसिफिक जो आइलैंड है यहां पर, उनके साथ में भी रिलेशन आप लोगों के अच्छे बन सकते हैं, वो मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया है, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन वाली वीडियो में भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में डिस्कस किया था इसके बारे में, पैसिफिक आइलैंड जो भी वहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं उनको याद रखना। मैंने थोड़ी सी ट्रिक भी बताई है वहां पर याद करने की, अगर आप लोगों को याद हो, जिसने देखा होगा बताना किस किसके याद है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूएसए एक ऐसा देश है जो कि हमेशा नजरें गड़ाए रखता है, और हाँ इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, एक बच्चा ये कह रहा है सर जैसे जो बड़े आर्टिकल के सोर्स बताते हो ऐसे ही इनके भी सोर्स बता दिया करो, मतलब आप लोग रियलिटी में लगता है आप लोगों को सोर्स चाहिए। मेरे दोस्त आम खा लिया करो, पेड़ मत गिनो, हर मतलब सारी चीजों में मतलब एक अलग ही लेवल पे रहता है। चलो सोर्स बता दिया, ये आर्टिकल मैंने कहाँ से उठाया, पीआईबी से उठाया, ये रहा, ठीक है, पढ़ लो, अब पीआईबी की वेबसाइट है, ये रहा पर्टिकुलर इस मिनिस्ट्री के, उठा लो सोर्स पढ़ लो जाके, मजा आएगा पढ़ने में, इसमें मेहनत की जाती है आर्टिकल में। अब ये पर्टिकुलर इस तरीके से ये पीपीटी आप लोगों के सामने बनाई गई है, फिर यहाँ पर ये पिक्चर लगाई गई है, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर उल्टे सीधे ये बिखरे पड़े थे यहाँ पर, इनको उठाकर सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर चिपकाया गया है, कुछ इनको काला पीला बना गया, एक सिस्टमेटिक वे में लगाया गया है, मतलब वो पसंद नहीं आ रहा है। सोर्स दिखा दो, सोर्स दिखा दे, यहाँ से उठाया, आ गया मजा देख के, क्या सीख लिया इसमें से, फालतू की बातें लिखी ऐसे थे कि हरदीप पुरी साहब जो है वो किससे मिल गए, वो वर्ल्ड बैंक से ऑफिशियल से मिल लिए, मिल तो पता नहीं किस किस से रहे, ये क्वेश्चन पूछेगा कोई एग्जाम में आप लोगों से, तो यार ये फालतू की चीजें मत बोला करो। एक तरीके से सोर्स जिसका दिखा रहा हूं, जरूरी तो उसका भी नहीं है दिखाने के लिए, सोर्स का करना क्या आप लोगों को, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। पापा घर में आप लोगों को पैसे देते हैं, आप लोग उनसे जाकर स्कूल में एडमिशन लेते हैं, अपने काम की चीजें लेते हैं, पापा से पूछते हो कि कहां से कमा के लेके आ रहे हो, पहले ये बताओ कमा के कैसे लेके आए, ठीक है, तभी हम लोग लेंगे। तो यार ट्रस्ट रखो कम से कम कि वो आपके फायदे के लिए ही करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। मम्मी खाना बना रही है आप लोगों के लिए, सब्जी कौन सी मार्केट से लेके आई हो, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है यार, मतलब कोई आप लोगों को चीजें जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई कमी आप लोगों को लगे, हाँ यार ये प्रोडक्ट ये सही नहीं पढ़ाया, इसमें ये गलती कर दी, वो तो समझ में आता है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से किया जा सकता था, मतलब बेतुकी चीजों पर कई बार फोकस रहता है, वो थोड़ा सा कई बार इरिटेट कर देती है। और रेगुलरली मेल किया जा रहा है एक बंदा इस चीज के लिए, मैंने रिप्लाई नहीं किया, पर लेकिन अंदर से कई बार ना इन चीजों को लेकर गुस्सा आता है मुझे, जो फालतू की चीजें होती हैं बहुत सारी। तो यहाँ पर ये यूएसए इंडिया का स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, तो ये एक तरीके से लॉन्च किया गया, जो यूएसए का एजेंडा भी है कि क्लीन एनर्जी पर फोकस देना है। बोला था मैंने कि मोदी जी को बोला कि देख भाई मोदी क्लीन एनर्जी पर फोकस कर ले, मोदी जी ने बोला ठीक है भाई साहब करेंगे, पर लेकिन उसके लिए रोकड़ा लगेगा, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है जितना तुम अमीर हो, ठीक है, तुम तो भाई साहब पानी बहा दे तो पानी की तरह बहा दे तो पैसा, तुम तो अफगानिस्तान में बहा दे, तुमने अब पाकिस्तान में बहा रहे हो, थोड़ा सा हमारे ऊपर भी छीटे डाल दो, बोल तो देते हो ये कर लो वो कर लो। तो उसी के लिए पांच पिलर है यहाँ पर। रेस्पॉन्सिबल ऑयल और गैस के बारे में बात की जा रही है, पावर एनर्जी इफिशेंसी के बारे में बात की जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पिलर के बारे में बात की जा रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर के बारे में, और एमर्जिंग फ्यूल टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर आगे बढ़ना है। ओके आगे चलते हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, हालांकि दो दिन बाद ये कंप्लीट हो जाएंगे गेम, तो और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूंगा। गुजरात के अंदर में नेशनल गेम चल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इनको लॉन्च किया गया था अहमदाबाद के अंदर, जो नेशनल जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर, ठीक है, लगभग 7,000 के करीब यहां पर प्लेयर एक्सपेक्टेड लगाए जा रहे हैं, और ये इसके बारे में बेसिक चीजें याद रखिएगा। सेलिब्रेट यहां पर एक तरीके से जो यहां पर इसके अंदर जो थीम रखी गई है कि सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट, तो ये 36 गेम है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। 36 यानी कि 36वां एडिशन है, गुजरात के अंदर में 6 सिटी के अंदर ये होगा, और अहमदाबाद से इसको लॉन्च किया गया था 29 सितंबर में, और 12 अक्टूबर को ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि दो दिन बाद। ओके मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जो मैंने बोला था यहाँ पर सेवज ये क्या था बताइए, मैंने डिस्कस किया था उस टाइम पर, और इसी के साथ में यहाँ पर जो ये तो बेसिकली इसका मैस्कोट है, और यहाँ पर इसका जो एंथम रखा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये बेसिकली एक तरीके से इसकी थीम रखी गई है, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये याद रखिएगा। ओके बाकी एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया काफी शानदार तरीके से, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये 90th एनिवर्सरी अपनी चंडीगढ़ में सेलिब्रेट की गई, ठीक है,
तो चंडीगढ़ याद रखना, ओके। चंडीगढ़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिकली सिटी है, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के बीच में कई बार लड़ते हुए भी नजर आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की जो यहाँ पर कॉम्बैट की जो यूनिफॉर्म है वो भी यहाँ पर इनके द्वारा इनको अनवील की गई, इनके एयरफोर्स की नई ड्रेस बनी जो कि लड़ाई के लिए जाते हैं उनके लिए, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया। यहाँ पर वेपन सिस्टम ब्रांच भी इंडियन एयरफोर्स की, तो कई सारे यहाँ पर इनोग्रेशन देखने को मिले, ठीक है। 40,000 के करीब किलोग्राम जो ड्रग्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन किया गया नॉर्थ ईस्ट से, जो कि यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया इनके बारे में। इसी के साथ में पाकिस्तान के बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान हमेशा कई बार बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करता है, किस तरीके से इंडिया को नुकसान पहुंचाना है उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है। तो अरेबियन सी ऑफ गुजरात कोस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड के द्वारा यहाँ पर 350 करोड़ जो हीरोइन है वो सीज कर ली गई, इनको ये पहुंचाते हैं लोगों तक और फिर यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो ये हरकतें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये वर्ल्ड की न्यूज़ है, एक ब्रिज था यहाँ पर जो कि बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया जो क्रीमियन पेनिनसुला को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा था रशिया के साथ में, तो ये अभी कंडीशन देखने को मिल रही है, पता नहीं कब तक यहाँ पर चेस उतरेंगे, ज़्यादा खतरनाक चीज़ें चल रही हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी जो बर्ड है यहाँ पर वो डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को, ये याद रखिएगा। रेयर पिंक डायमंड नाम याद रखिएगा यहाँ पर, इसका नाम रखा गया बेसिकली विलियमसन पिंक स्टार, ठीक है। तो ये 57.7 मिलियन डॉलर इसका प्राइस रखा गया, 11.15 कैरेट का डायमंड है, इसको रुपी में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखो, देखता हूँ कौन बताता है। तो हांगकांग में बेचा गया, बेसिकली हांगकांग वाले अमीर हो रखे हैं, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हो, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, बोला गया कि जो उदय कोटक कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, रूरल डेवलपमेंट, कॉरपोरेट गवर्नमेंट या फिर स्कॉलरशिप फॉर SC ST। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किस आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 110, 112, 115 या फिर 117। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर, 14 सितंबर, 25 जो यहाँ पर दिसंबर या फिर 10 जनवरी। यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर हिल के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर लार्समैन हिल, वो कहाँ पर लोकेटेड है, यूरोप के अंदर में या नॉर्थ अमेरिका के अंदर में या अंटार्कटिका के अंदर में या ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, और इसका आंसर मैं आप लोगों को आज नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोग कल बताऊंगा, क्योंकि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको जाकर आप लोग ढूंढना मैप में कहां पर है टोर्च लेकर, ठीक है, देखता हूं कौन कौन ढूंढ के लेके आता है। ये है आप लोगों के सामने CSAT का क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करो, यहां पर ये क्वेश्चन लिखा है, वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर बताओ यहां पर आंसर क्या है, ठीक है। तब तक एक मैप बेस्ड आर्टिकल करा देता हूं मैं आप लोगों का, थाईलैंड बैंकॉक यहां पर आप लोगों को कैपिटल देखने को मिलेगी, लैंडलॉक कंट्री नहीं है और इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड की एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये इधर अपना देश आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अपने देश के साथ में कंपेयर करें तो यह है हमारा प्यारा महान भारत, यहाँ से अगर आप लोग आएंगे तो ये है आप लोगों के सामने थाईलैंड, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन UPSC ऑलरेडी पूछ चुकी है। ये है लैंडलॉक कंट्री, इस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है जो थाईलैंड के साथ में जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है फेविकोल से, ठीक है, बताइए देखो क्या है। बाकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए स्लाइड के अंदर में, उसको लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। शानदार तरीके से जो आंसर दिए गए यहाँ पर, ये बेसिकली देखो कई सारे बच्चे ना रेगुलर आंसर दे रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर इनके आंसर देखना, मैंने कल की वीडियो के नीचे पिन किए हैं, देखकर आप लोगों के चक्षु ना खुल जाए तो मुझे बताना, इतने डिटेल में इतने शानदार तरीके से आंसर दे रखे हैं, मजा आ गया देखकर, ठीक है, और बहुत डिटेल में सारी बातें इनके द्वारा यहाँ पर लिखी गई हैं। तो आप लोग सोचो जो एक पर्टिकुलर पर्सन इस तरीके से रेगुलर डिटेल में अपनी चीज़ें पढ़ रहा है, कई सारे क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ उनको आंसर भी दे रहा है, तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा, आप लोग खुद बताओ ये। तो इसलिए देखो यहाँ पर, और ये इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, रोल नंबर लिख रखा है इनके द्वारा, मैंने बोला था कि जिस नंबर पर आप लोग वीडियो देखो और उस नंबर पर ये देखना कितने लाइक हैं, और आप लोग जिस भी नंबर पर वीडियो को लाइक करो वही आप लोगों का रोल नंबर होगा, तो डेली इनका रोल नंबर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये अप्रोक्सीमेट जब वीडियो अपलोड की जाती है तभी डेली एक तरीके से आकर अपना वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो कांग्रेट्स जियर, काफ़ी अच्छे से आपने आंसर दिए, तो आज की SLV कमांडो आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से और भी कई सारी बातें पूछी, नेल्सन मंडेला के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो नेल्सन मंडेला जी के बारे में तो मैंने पूछा था आप लोगों से यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से देखना, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो बताना जरूर, डाउट को साथ में नहीं रखना है, क्योंकि डाउट जो है वो इंसान को प्रॉब्लम में डाल देता है, तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसी के साथ में जो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे उनके आंसर आप लोग देख लो, यहाँ पर सी आंसर है कॉरपोरेट गवर्नमेंट के लिए, यहाँ पर उदय कोटक कमेटी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर आर्टिकल 112 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में बजट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी दिवस के बारे में याद रखिएगा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा डी आंसर, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी दिवस के बारे में बात की जा रही है, कन्फ्यूज मत होना। नेशनल लेवल पर किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोग बताना है, ठीक है।
तो यहां पर डी आंसर है। और बाकी इसका आंसर मैंने बोला कल दूंगा, मैप में दिखा दूंगा अभी एक बार आप लोगों को, इसलिए कह रहा हूं कि एक बार आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो लंबे समय तक चीजें याद भी रख पाओगे। ओके, बड़े ही प्यार से आप लोगों के लिए स्लाइड तैयार की जाती है, तो ये पांच शब्द तो आप लोगों को देखने को मिलते ही मिलते हैं। इन पांच शब्द के साथ में आप लोगों को यहां पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देखने को मिलते हैं, तो इस पर भी फोकस डाल लिया करो थोड़ा सा। ये सारा मीनिंग होता है यहां पर, फिर यहां पर इसका ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक सप्ताह में सोचो कितने शब्द आप लोगों के तैयार करवा देता हूं। इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म अगर लगता है ना, एक ही सेंटेंस फॉर्म होता है तो एक ही करो, पर करो जरूर, ये नहीं कि एक भी नहीं हो रहा है। अगर इस पे नहीं हो रहा है कोई भी आप लोगों का फॉर्म, तो यहां पर ये हजारों शब्द और लिखे हुए हैं, इनमें से किसी के ऊपर फॉर्म करो, पर एक सेंटेंस एटलीस्ट आप लोगों को फॉर्म करना ही करना है। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं है, ये आप लोगों को ऑर्डर है, क्योंकि जब तक नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं, और जब तक सीखोगे नहीं तब तक मेरा मजा आने वाला है नहीं, तो ये काम जरूर करना है, ठीक है। तो बाकी फीडबैक जरूर देना, और जो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं उनके आंसर लिखने की कोशिश करना आंसर राइटिंग ग्रुप में। कैसा लगा ये लेक्चर जरूर बताना, और हाउस द जोस हाई होना चाहिए, उसमें कोई ठंडक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसमें ठंडक आ गई तो फिर दिक्कत है, तो अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ में बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मंथली वीडियो भी देख लेना और क्वेश्चन वाली वीडियो भी देख लेना, दोनों अपलोड हो चुकी हैं आप लोगों की, ठीक है। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, आप लोगों की शुरू हो चुकी है, तो अच्छे से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अब एंजॉय करो, ठीक है। तो ये था लेक्चर, मैं आशा करता हूँ अच्छे से एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट हो तो बताना जरूर, उसको दूर किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।